Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। एक बार सर लोग जरा क्लियर कर देंगे, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर? यस, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। ठीक है, यस, ओके। तो दिस इज द सेम लेक्चर, यस, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिजाइनिंग ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, आज ये अपना पहला लेक्चर होगा, तो आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे सो दैट मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सकें। ओके, क्लियर। ठीक है, अपना 3 से 4 दिन का गैप हो गया था, जो अपनी 1 बजे वाली क्लास थी, आप लोगों ने लास्ट टाइम पे आईपीसी पूरा कंप्लीट कर लिया था, फिर मैंने 3 से 4 दिन का आपको टाइम दे दिया था सो दैट आप अपनी व्याप पे ही रिवीजन कर सकें और अपनी व्याप पे क्वेश्चन लगा सकें। और जिन लोगों ने नहीं भी किया है, हम लोगों ने रिवीजन सेशन स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर रिवीजन सेशन लेकर आ जाओ सो दैट जो भी आईपीसी आपने पढ़ा है तो प्रॉपर तरीके से वो रिवाइज हो जाए और हम लोग सो दैट टेस्ट सीरीज वगैरह देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो उस बेसिस पे प्लान किया गया है कि आईपीसी का रिवीजन सेशन स्टार्ट कर दिया गया आज मॉर्निंग। कल आपकी नाइट में 11 बजे थी, आज मॉर्निंग में 10 बजे थी। डेली आपकी 10 बजे क्लास होगी, कल हो सकता है आपकी 9 बजे को मॉर्निंग में शिफ्ट कर दें। ठीक है, एक अच्छा खासा मेरे को टाइम चाहिए सो दैट मैं जल्दी से रिवीजन वाला पार्ट आपका खत्म करूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ से जस्ट बात करेंगे यहाँ पे डिजाइन ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम। तो ये आपका पहला लेक्चर है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डिजाइनिंग। ठीक है, ये लेक्चर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। आप लोग बात किसी में दूसरे प्लेटफॉर्म पे हुआ करता था, वहाँ पे मैंने बताया था बच्चों को कि मैं बहुत जल्दी सेशन लेकर आने वाला हूँ डिजाइनिंग पे। तब से अभी बीच में कभी टाइम नहीं मिला क्योंकि हमेशा सिलेबस कंप्लीट करने पे रहता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब आपके दोनों सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इन 6 मंथ में 6 से 7 महीने लगे हैं, दोनों सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गए। अब मैं थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बात करना चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग वाला पार्ट काफ़ी दिनों से पेंडिंग में था, तो ये डिस्टिलेशन का बहुत सारे ये बच्चे भी बोल रहे थे कि सर इसको लेकर आओ। यस, अब आपका बार्क का रिटर्न हो गया, तो बार्क के लिए कुछ शॉर्टलिस्ट होंगे, इंटरव्यू में जाएंगे,
एनआरएल का भी रिटर्न हो गया है, एनआरएल में भी इंटरव्यू जाएंगे और अभी ओएनजीसी और आईओसीएल में भी आप लोग जाएंगे जिन लोगों ने 21 में गेट का स्कोर है, ठीक है, तो इनका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है तो ये लोग भी अभी एग्जाम इंटरव्यू देने जाएंगे, तो ये सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और प्रोबेबली कि इसरो का भी इस ईयर आ जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इसरो का कुछ आपका जो यस शॉर्ट लिस्ट हो जाता है आपके यस जो आपका बीटेक का परसेंटेज होता है उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं और कुछ आपके इसरो के अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो लोग टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे शॉर्ट लिस्ट डायरेक्ट हो जाते हैं फिर वहाँ पे इंटरव्यू में थोड़ा ढंग से वो लोग बात करते हैं, ठीक है। इसरो और बार्क दो ऐसे इंटरव्यू हैं जहाँ पे आपसे थोड़ा टेक्निकल नॉलेज टेक्निकल साउंड वो लोग चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट मैं सेलेक्ट करूँ वो थोड़ा टेक्निकली साउंड होना चाहिए, ठीक है। ये एसपीएसयू में जाते हैं तो वहाँ पे गेट का 85% बजट हो जाता है, बात रहती है 15 मार्क्स की और 15% की, तो उसमें आपकी पर्सनालिटी को जज करके वो लोग फिर डायरेक्ट दे देते हैं, उसमें ज़्यादातर आपको आउट नहीं करते हैं क्योंकि 15 नंबर की बात रहती है। लेकिन इसरो बार्क जैसी जगह जहाँ पे NPCIL, ठीक है, ये जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपका थोड़ा टेक्निकल साउंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग ऑफ द डिसलेशन कॉलम, ये आपका 4 से 5 लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन जब भी आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें कोई भी आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी, तो इतना हम लोग डिटेल में इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो यहां से जस्ट मैं स्टार्ट करूं, जो अपने न्यू विद्यार्थी हैं तो उनको मैं अपने बारे में बता देता हूं। यस, तो मैं पहले तो आप लोगों का कमेंट देख लेता हूं कोई ऐसा। यस, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ क्लियर है। सॉल्यूशन थर्मो कब से स्टार्ट होगा यूट्यूब पे? ओके, जस्ट वेट। चलो अब यहाँ से जस्ट मैं बात करूँगा, तो जो अपने पहली बार जो अपने प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, तो माय नेम इज मनीष एंड यहाँ पे जस्ट मैं बात करूँगा अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंस की। तो 5 times गेट क्वालिफाइड, एक्स एक्सपीरियंस इन द HPCL बैंगलोर इन 2019 एंड सेलेक्टेड इन द HURL इन 2021 इन जून एंड MTech कंप्लीटेड फ्रॉम IIT गुवाहाटी, ठीक है, इन पेट्रोलियम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ से जस्ट मैं बात करूँगा 5 times 5+ ये टीचिंग एक्सपीरियंस का है, जिसमें आप लोग बात करेंगे जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका गेट वाला पार्ट है, ठीक है, 1 साल के अराउंड आप लोगों का JEE का एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो यहाँ से जस्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट आप लोगों को कौन से मैं डील करता हूँ, मास ट्रांसफर ऑब्वियसली, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, 2 subjects आप लोग पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अपने प्लस के जो स्टूडेंट हैं सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स और IPC दोनों प्लस पर कंप्लीट हो गया है। करंट में आपका मास ट्रांसफर ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। यस, आने वाले टाइम पे आप लोगों को हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये 3 subjects और आपको नेक्स्ट बैच में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड दिस द माई कोड, यू कैन यूज दिस कोड ड्यूरेशन ऑफ द ज्वाइनिंग द प्लस कोर्स और आइकोनिक कोर्स। कभी भी आपको कोड की नीड पड़ती है तो आप लोग इस कोड के साथ मूव कर सकते हैं, यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इसके साथ साथ आपको हमारे साथ प्रॉपर तरीके से मूव करने का मौका भी मिलेगा, राइट। चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूँ प्लस और आइकोनिक के लिए, इनकेस कोई विद्यार्थी चाहता है कि भैया मैं प्लस पर आऊँ, तो प्लस पर आने के लिए आपको करना क्या है, जस्ट आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपका गेट ESE वाले पैटर्न में चले जाना और वहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से इजीली तरीके से ऐप डाउनलोड करते ही आपको सबको दिख जाएगा, इतना इजी बना रखा है, ठीक है। तो प्लस पे आने के बाद आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन इंग्लिश, दोनों मीडियम में प्रोवाइड किए जाएंगे। आइकोनिक इनके साथ हैं, तो आइकोनिक में अभी बहुत सारे ऑफर भी चल रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे अदर फीचर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो आइकोनिक के लिए पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल टेस्ट आपको मिलेगा एंड एक और यहाँ पे ये चीज ऐड की गई है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके स्पेशली आप लोगों के लिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, आप लोगों के लिए यस, आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तुरंत यहाँ पे भेजेंगे और आपका विद इन द 24 आवर में आपका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। वो आपका वीडियो सॉल्यूशन भी हो सकता है आपका PDF फॉर्म में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ये दिस द फीचर फॉर आइकोनिक स्टूडेंट, राइट। चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूं, इसके बाद मैं बोलूं कि अभी ये ऑफर करंट में चल रहा है 6+3 ऑफर, ठीक है, 3 months, ये अभी ऑफर नहीं था, ये अभी आया हुआ है, ठीक है। तो 6+ जो लोग चाहते हैं कि यार अभी 6 महीने के साथ मूव करना है, तो 6 महीने के साथ साथ आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। जो लोग भी लेना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 1 year का आप लोग बोल सकते हैं, 9 months का है, 9 months एक अच्छी खासी प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा टाइम होता है। तो आप लोग कोड यूज करेंगे MR100, राइट, यहाँ से आगे आप लोग मूव कर जाएंगे। चलो और ये अभी CRE भी चल रहा है आपका 945 पे, और इसी के साथ साथ आप लोगों का मास ट्रांसफर ऑपरेशन जो कि स्टार्ट हुआ था 26th August से, ठीक है, 26th August से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया हुआ है भैया डिस्टिलेशन, यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है वो किया है डिस्टिलेशन, राइट। तो यहाँ से अभी आप लोग मूव कर सकते हैं डिस्टिलेशन के साथ, ठीक है, जिसकी टाइमिंग है 7:30 PM 7:30 बजे,
ठीक है, आपकी 30 अभी 3 से 4 दिन का गैप दिया गया क्योंकि 3 चैप्टर आपके 2 चैप्टर अच्छे से हो गए, ठीक है, और डिसलेशन का आपका 30% पार्ट कंप्लीट हुआ है, जिसमें कि आप लोगों को रिवीजन के लिए टाइम किया गया। ये क्लासेस आपके रिज्यूम हो जाएंगे 30th of September से, ठीक है, 30th of September से ये क्लास रिज्यूम हो जाएंगी और फिर कंटिन्यू चलेंगी आपकी अक्टूबर तक, ठीक है, और फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर में आपका मास ट्रांसफर खत्म हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी अभी मास ट्रांसफर नहीं पढ़ा है और दे आर प्लानिंग, तो ज्वाइन करो और हमारे साथ मिलो आके शाम को 7:30 बजे, ठीक है, करते हैं कुछ डंग की बात, ओके। चलो यहाँ से जस्ट मैं बात करूँ, यहाँ से अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और आगे आगे यस सर लिक्विड होल्डर गैस होल्डर इंटेनमेंट बीपिंग टॉपिक में ये सब इसी में आएंगे, ये सब इसी में आएंगे विवेक, ठीक है, ये सब कुछ बीपिंग इंटेनमेंट जितना भी आपका डिस्टिलेशन अभी तक आप लोगों ने टच नहीं किया था सब डिजाइनिंग में मैं कवर कर दूंगा, सब मैं डिजाइनिंग में कवर कर दूंगा, डोंट वरी, ओके। अच्छा अच्छा एमटी वेरी यस यस नीलेश, ठीक है, ये देखो अभी आप लोग कंटिन्यू डेडिकेटेड के तरीके से आप लोग पढ़ाई करेंगे ना तो यार रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज वही चीज़ है ना कि देखो कोई भी रिजल्ट लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेडिकेशन, इनकेस आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें कर रहे हैं तो रिजल्ट कुछ दूर नहीं है, ये रिजल्ट क्या है प्रोसेस का आउटकम है, इनकेस प्रोसेस आपने अच्छे से फॉलो किया है तो आउटकम अच्छा आएगा, प्रोसेस थोड़ा लेजी तरीके से फॉलो किया है तो आउटकम आएगा लेकिन वो उसी तरीके से फिर आएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे न्यू पेज आपकी कम से कम 30 से 35 पेज मैं यूज करूंगा इसमें, ठीक है, तो या तो एक पतली सी कॉपी बना लेना इसकी डिजाइनिंग की, या तो आप मार्केट से चले जाना कुछ पतली सी कॉपी आती हैं, ठीक है, वो बना लेना, उसमें जितने भी डिजाइनिंग के वाले पार्ट होंगे उसमें मैं पूरा कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अभी आपके पास कॉपी नहीं होगी, आप लोग ट्राई करना कि कल वाला उसी में रिपीट कर लेना, एक पतली सी कॉपी अलग बना लेना, कभी भी इंटरव्यू देने जाना तो प्रॉपर तरीके से वो कॉपी एक बार रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। यहाँ से गेट के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो भी सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, जो गेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्टिलेशन से फंसते हैं कि सर थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन नहीं कवर हो पाते हैं, न्यूमेरिकल वाला तो हो जाता है, ये वाला सेशंस करो, ठीक है, थ्योरेटिकल वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, न्यूमेरिकल तो हो ही जाता है, न्यूमेरिकली वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, जस्ट आपको एक्सप्रेशन पता है, एक्सप्रेशन को यूज करना आता है, आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, तब फिर थोड़ी बात फंस जाती है, ठीक है। तो उसी की हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको पूरा डीप तक लेकर जाएं। तो डिजाइनिंग ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम न्यू पेज में हेडिंग डालेंगे डिजाइनिंग ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम, और सारे लोग रेडी हैं क्या, स्टार्ट किया जाए, एवरीवन आर रेडी, नोट्स बनाना है सुनना नहीं है, ठीक है, सुनना उड़ जाएगा, ओके, विवेकानंद नहीं हो जो एक बार सुना बस कॉपी पेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो उड़ जाएगा, लिखना है प्रॉपर तरीके से, नोट्स बनाना है, ठीक है, बहुत ढंग से नोट्स बनाने हैं इसके, ये बहुत काम के सेशंस हैं, रेडी एवरीवन आर रेडी, यस रेडी, बहुत ध्यान से समझिए, डिजाइनिंग में हम लोग करेंगे क्या पूरा बेसिकली पहले समझो किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्टिलेशन कॉलम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए अबाउट डिस्टिलेशन कि डिस्टिलेशन में हम लोग करते क्या है बेसिकली, ठीक है। तो एज यू केमिकल इंजीनियर, आप लोग केमिकल इंजीनियर है तो केमिकल इंजीनियरिंग कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि डिस्टिलेशन में एक्चुअली करते क्या है, ठीक है, डिस्टिलेशन है किसका पार्ट, ये तो हम लोगों को पता ही होता है, यस आप लोग किसी अदर ब्रांच से पूछेंगे तो हो सकता है ना पता हो क्योंकि मास ट्रांसफर सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ से जस्ट मैं बात करूंगा अबाउट डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन की मैं थोड़ी आपसे बात करूंगा, तो डिस्टिलेशन है क्या है, इट इज द सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। अच्छा अब सर सेपरेशन टेक्निक डिफरेंट डिफरेंट, एक्सट्रैक्शन भी सेपरेशन टेक्निक है, ड्राइंग भी सेपरेशन टेक्निक है, राइट, ह्यूमिडिफिकेशन भी सेपरेशन टेक्निक है, तो डिस्टिलेशन किस टाइप की सेपरेशन टेक्निक है, ये सेपरेशन टेक्निक है, ये कौन सी सेपरेटिंग सेपरेशन टेक्निक है, विद देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, इन केस आपकी कंपोनेंट में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो आप डिस्टिलेशन की हेल्प से आप लोग उसको सेपरेट कर पाओगे, इन केस कंपोनेंट में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बहुत ही क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है तो डिस्टिलेशन की हेल्प से नहीं सेपरेट करोगे, वो दूसरे मास ट्रांसफर ऑपरेशन होंगे, ठीक है, दूसरे यूनिट ऑपरेशन की हेल्प से आप लोग सेपरेट आउट करोगे, ठीक है। जब भी बॉइलिंग पॉइंट, अब सपोज कर लो एक आपका हायर डेंसिटी का पार्टिकल है, एक लोअर डेंसिटी का पार्टिकल है, ठीक है, तो यहां पर मास ट्रांसफर की कोई नीड नहीं है, राइट, आप सिंपल फिल्टर लगा दोगे, आप सेपरेट कर लोगे एक हायर डेंसिटी का एक, अदरवाइज वो ग्रेविटी सेटलर से ही ऑटोमेटिकली इससे सेपरेट हो जाएगा, लेकिन जब कोई मिसविल होते हैं कंपोनेंट, मिसविल होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया और टॉलिन हो गया, इनका मिक्सचर हो गया, ठीक है, अब ये मिसविल है और इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तब हम लोग डिस्टिलेशन को पिक्चर में लेकर आएंगे, ओके। अब आपका सपोज कर लो आपको सिलरी है, सिलरी से प्योर वाटर, आपको वाटर को रिमूव करना है, तो वहां पे मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं, वहां पे फिल्ट्रेशन का काम कर लोगे,
ठीक है, आपका जैसे गैस है, गैस में सॉलिड पार्टिकल है, तो वहां पे मास ट्रांसफर का यूज नहीं है, आप जस्ट इलिटरेशन लगा देंगे तो वहां से आप तुरंत ही क्या कर लेंगे, साइक्लोन सेपरेटर लगा देंगे, तुरंत वहां से भी आपका सेपरेट हो जाएगा। लेकिन मास ट्रांसफर एक डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट ऑपरेशन है, जहां पे हम लोग बात करेंगे, और डिस्टिलेशन में एक और स्पेसिफिक, फिर हम लोग अंदर चले जाते हैं, स्पेसिफिक रीजन है टू सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स विद देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तभी हम लोग इसको सेपरेट आउट करेंगे। अब इसमें जो सेपरेट आउट करेंगे, इसकी पूरी मैकेनिज्म समझ लो, फिर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी डिस्टिलेशन होता है, इसमें दो पार्टों में ये डिवाइड करता है, प्रोसेस को सेपरेट करके दो पार्टों में डिवाइड करता है, जिसको एक बोलते हैं डिस्टिलेट, एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे डिस्टिलेट। ठीक है, एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डिस्टिलेट। ठीक है, एक पार्ट को बोलेंगे डिस्टिलेट और एक पार्ट को बोलेंगे बॉटम्स। ठीक है, डिस्टिलेट में हमारा क्या होता है, जो अपना मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और डिस्टिलेट को कभी कभी हम लोग प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, कि ये अपना प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये अपना क्या है, अनडिजायर, और ये डिजायर स्ट्रीम है। ये डिजायर स्ट्रीम है, ये कैसी है, अनडिजायर स्ट्रीम। तो डिजायर स्ट्रीम मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जो अपना डिजायर क्वांटिटी होगी, राइट। अदरवाइज प्रोडक्ट तो ये बॉटम वाला भी है, लेकिन प्रोडक्ट जब भी कहीं पे लिखा हो तो इसका मतलब वो डिस्टिलेट की बात कर रहा होगा, क्योंकि उनको उसी से मतलब है। ठीक है, तो डिस्टिलेट और बॉटम्स। ठीक है, अब जो डिस्टिलेट होगा वो उसके दो फेज होंगे, दो फेज होंगे। ये आपका लिक्विड भी हो, ये जो डिस्टिलेट होगा, हाँ, जो डिस्टिलेट होगा वो आपका लिक्विड भी हो सकता है, वेपर भी हो सकता है, और लिक्विड प्लस वेपर दोनों हो सकते हैं। जबकि आपका ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो आपका यस बॉटम होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। पहले बात सारे लोग मोटी मोटी समझ लो, ये डिजाइनिंग का पार्ट है। ठीक है, तो आपका जो बॉटम होगा वो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में लिक्विड होगा, राइट। और जो आपका टॉप प्रोडक्ट निकल रहा है, जो टॉप प्रोडक्ट, जो डिस्टिलेट निकल रहा है, वो आपका लिक्विड भी हो सकता है, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी वेपर। ठीक है, और वेपर प्लस लिक्विड का मिक्सचर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपने कंडेंसर कैसा लगाया है। ठीक है, इनकेस आपने टोटल कंडेंसर लगा दिया है तो लिक्विड मिलेगा, इनकेस आपने पार्शियल कंडेंसर लगा दिया है तो वेपर और वेपर प्लस लिक्विड दोनों का मिक्सचर मिलेगा। ओके, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंडेंसर के ऊपर। अभी कंडेंसर वगैरह क्या होते हैं, उनकी डिजाइनिंग की मैं अलग बात करूंगा। ठीक है, तो जस्ट ये लोग समझ लो, और देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। तो इतनी चीजों पे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, कि ये रेड से, एक ये पर्पल से, और ये व्हाइट से, ये तीन पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपका वो कॉलम है वो दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है, दो स्ट्रीम में डिवाइड कर रहा है, एक आपका डिस्टिलेट होगा, एक बॉटम होगा। डिस्टिलेट में जो प्रोडक्ट निकल रहा होगा उसके फेज आपका लिक्विड भी हो सकता है, वो वेपर भी हो सकता है, प्योर वेपर भी हो सकता है, और लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन इन डिस्टिलेशन में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस में, बॉटम जो होता है वो लिक्विड होता है। ओके, तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। और जो सेपरेशन की जो मैकेनिज्म होगी वो रिलेटिव वॉलेटिलिटी डिफरेंस और आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। ठीक है, तो इस पर आप लोग बात करेंगे। तो ये होता है भैया पूरा आपका सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार चाहें तो अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकते हैं, एक बार चाहे तो जल्दी से कॉपी में लिख लो प्रॉपर तरीके से। मैं थोड़ा साइड से हटे जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थ्योरी वाली पार्ट ये अभी आप लोग सुन तो लिए, दो मिनट के लिए रहेगी, फिर दो महीने बाद कोई पूछेगा तो फिर बात नहीं रहेगी। एक बार प्रॉपर तरीके से लिख लें, जो मैंने हाईलाइट पॉइंट किए हैं उनको हाईलाइट भी कर लेंगे अपनी कॉपी में। यस, सारे लोग पहले इसको जल्दी से लिख लेंगे, फिर मैं इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाऊँ। जल्दी से, जल्दी से लिख लेंगे और बोलेंगे डन। क्या बात है, लवली, डटे रहोगे तो मैं बता तो रहा हूं, डिस्टिलेशन गजब का कर दूंगा आपका, ये डिजाइनिंग वाला पार्ट। कभी भी इंटरव्यू में, कोई भी टॉप इंडिया के कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे, डिस्टिलेशन से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, 100% डिस्टिलेशन से पूछ देगा। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग की थोड़ी ए बी सी डी भी पता होगी उसको, डिस्टिलेशन से वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, डिस्टिलेशन से तो क्वेश्चन वो पूछते हैं पैनल वाले। डन, इसको लिखते चले और सारे लोग प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डिजाइनिंग की पार्ट। अब मैं डिजाइनिंग की बात करूंगा तो इसके दो मेथड हैं डिजाइनिंग करने के, एक है ग्राफिकल मेथड डिजाइन करने का, एक है आपका एनालिटिकल मेथड। ठीक है, कोई भी आप सिस्टम कॉलम डिजाइन कर रहे हैं, डिस्टिलेशन कॉलम, वो कॉलम डिजाइन करने के लिए आपके पास कितने होंगे, बेसिकली दो मेथड होंगे, वन इज द आपका एनालिटिकल मेथड और दूसरा होगा ग्राफिकल मेथड। तो आपको पता है कि अपन लोग ग्राफिकल में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग मेथड है ग्राफिकल, एनालिटिकल में चीजें दिखेंगी नहीं, राइट। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन वन की, ग्राफिकल मेथड टू डिटरमिनेशन ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, डिजाइन,
हम लोग जो डिजाइन की बात करेंगे इसमें हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ग्राफिकल मेथड की। अब जब भी हम डिजाइन करेंगे तो डिजाइनिंग पैरामीटर्स आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे, किन किन चीजों की आप डिजाइन कर रहे हैं। आपसे ये सिंपल पूछ दे कि सर हम डिस्टिलेशन कॉलम तो डिजाइन करने आए हैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ के, अब हमको करना क्या है। पहली बात तो यही है ना, सपोज कर लो आप पहुंच गए सर डिजाइन करना है डिस्टिलेशन, अब करना कैसे, ठीक है। तो ये तो पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए ना, डिजाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सपोज कर लो आपको प्रोजेक्ट अलॉट किया गया कि भैया आपको डिस्टिलेशन कॉलम डिजाइन करना है, अब आप यही सबसे पहले सोचोगे कि यार कहां से स्टार्ट करें, डिस्टिलेशन कॉलम डिजाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 5 स्टेप्स हैं, बहुत ध्यान से समझिए, पूरा एकदम से प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है पूरा सिस्टम, ठीक है। तो जो पहले स्टेप है सबसे पहले आपको जो भी ऑपरेशन वेरिएबल्स होंगे उनको डिफाइन करना होगा, जितने भी ऑपरेशन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे फीड फ्लो रेट हो गया, ठीक है, फीड का कंपोजिशन हो गया, क्वालिटी हो गई, बॉटल में कितना फ्लो रेट जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंपोजिशन किसका बॉटम में जा रहा है, कितना जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। डिस्टिलेट आपने मार्केट में जो अवेलेबल है वो कितने परसेंट आपको डिस्टिलेट चाहिए, 88% 90% 95% कितने परसेंट की क्वालिटी आपको चाहिए, ये सारे आपको पहले क्या ऑपरेशन वेरिएबल्स ये होते हैं ऑपरेशन वेरिएबल, फीड फ्लो रेट, बॉटम फ्लो रेट, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब आप डिजाइन कर पाएंगे। तो ये इसकी कहानी अभी हम बताएंगे बहुत डिटेल में, आज पूरे सेशन में इसी की कहानी चलेगी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि ऑपरेशन वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। ऑपरेशन वेरिएबल कौन कौन से हैं अभी मैं डिटेल में इसकी बात करूंगा, पहले पूरा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, दिस इज द ओवरव्यू। दूसरा जो हम बात करेंगे, दूसरी जो यहां पे बात करेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी हम लोग बात करेंगे सेकंड स्टेप में, राइट। सेकंड स्टेप में बात करेंगे हाउ टू डिटरमिनेशन ऑफ द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, जो अभी आप लोग थ्योरेटिकल निकाल दे रहे थे ऐसे नहीं होगा, कैसे डिजाइन में कैसे आप मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करेंगे। थर्ड वन ये आपसे पूछ लेगा इंटरव्यू में जाओगे आप डिजाइन के लिए, आप स्टेप बताओ तो इस तरीके से आपको मेंशन करना होगा वहां पे। थर्ड वन चूज द एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो, भैया इस पे तो ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे ना, अपन लोग मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकाल लेते हैं, एक अपन को आइडिया मिल जाता है, ठीक है। सिस्टम मैक्सिमम यहां तक आप लोग सेपरेट कर सकते हो, लेकिन आपको ऑपरेट किस पे करना है, चूज करना पड़ेगा आपको एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो जिस पे आपको ऑपरेशन को करना है, ठीक है। जिस पे आप ऑपरेट करोगे सिस्टम तो वो क्या चूज करोगे, एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो, फाइन। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की मैं यहां से बात करूंगा, डिटरमिनेशन ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस। तो सबसे पहले क्या निकाल लोगे, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस, ठीक है, कि आपको कितनी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस रिक्वायरमेंट होंगी टू ऑपरेट द सिस्टम, ठीक है। इसकी हम लोग बात करेंगे, चारों पार्ट अभी चलेंगे डे बाय डे, हर डे पे एक एक बात चलेगी, ठीक है। प्रिंसिपल लास्ट में आप लोग थोड़ा आप लोग फिजिकल डायग्राम, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो उसमें हम लोग जो बात करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कि डायमेंशंस, आप कॉलम की हाइट कैसे चूज करेंगे, कॉलम का प्लेट कैसे चूज करेंगे, ठीक है, तो कॉलम के प्लेट की इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब की बात करेंगे। बबल कैप क्या होता है, सीप कैप क्या होता है, पैक्ड वेड क्या होता है, ट्रे क्या होती है, इन सब की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाइट कैसे चूज करेंगे, डायामीटर का क्या कॉन्सेप्ट है, गेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये हाइट और हाइट कल ये डायामीटर कैलकुलेशन पे गेट में आया हुआ है, वो क्वेश्चन डिजाइनिंग का ही है। इसमें आपका दो नंबर है, बता तो रहा हूं, डिस्टिलेशन आपका दो नंबर का आता है, एक आता है ऑपरेशन से और दूसरा जो दो नंबर आता है वो आता है डिजाइनिंग से, ठीक है। तो ये डिजाइनिंग वाला जो पार्ट आपका कवर होगा तो आप लोग वो बात कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये आपको पूछा गया है डायामीटर कैलकुलेशन का, राइट। तो ये डायामीटर कैलकुलेशन वाले बात हम लोग यहां पे करेंगे। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं टू डिफाइन द सिस्टम, किसी भी पर्टिकुलर चीज को आपको डिफाइन करना है तो इन 5 बातों पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले आपको ऑपरेशन वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर आपको दूसरे स्टेप में मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप नंबर ऑफ ट्रे निकाल पाएंगे, आपने ट्रे निकालनी कॉलम के अंदर, ठीक है। आपको मेन इंपॉर्टेंट बात थी कितनी ट्रे रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर सेपरेशन के लिए। आपका ट्रे निकालनी तो आपने सपोज लो 80% बात कर ली, ठीक है, कितनी ट्रे लगेंगी। ट्रे के बाद आप लोग उसका डायामीटर और हाइट भी डिसाइड कर लेंगे लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है। हाइट और ये डायामीटर किस पे डिपेंड करेगा, तब आप लोग ऊपर से फ्लोरेट वगैरह कैलकुलेट करके आओगे, ठीक है। पूरा प्रॉपर तरीके से फ्लोरेट वगैरह आपको सारे स्ट्रीम्स का पता होगा, फिर आप लोग हाइट और डायामीटर डिसाइड करोगे कि कॉलम का कितना हमको, भैया आपको डिजाइनर को बोलना होगा कि इतनी हाइट का कॉलम हमको चाहिए और इतनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरा प्रेशर वगैरह सब कुछ पता होगा अभी ऊपर चल के,
ठीक है। तो पहले ये ओवरव्यू सारे लोग समझ लो, हम लोग पूरे प्रोसेस में करने वाले क्या क्या हैं, पहले इतनी बात आनी चाहिए सारे लोगों को समझ में। ऋतिक राजपूत, तुम तो यार मुझे लग रहा केमिकल के थे। नहीं नहीं, दिस इज नॉट फॉर सिविल, आप लीव कर सकते हैं। यस, मजा आ रहा हो तो फिर सेशन को देख सकते हैं। यस यस यस, वेरी गुड एम आर 100, ओ लवली। अच्छा अच्छा माइक का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? एक मिनट रुको, मैं माइक को सही कर ही दे रहा हूं। मैं एक मिनट रुको, अभी मैं माइक रिप्लेस कर ही दे रहा हूं इसी के बाद। हेलो, अब देखिए सर लोग, नाउ परफेक्ट, अब तो कोई दिक्कत नहीं, मजा आ जाएगा तो सिविल वाले डट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइक का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, राइट right? चलो, तो सारे लोगों को इतनी बात आ गई ना समझ में। हम लोग कोई भी कॉलम डिजाइन करेंगे तो किन किन पैरामीटर्स का हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमको वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे, फिर हम लोग मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस डिफाइन करेंगे, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस लगेंगे फॉर पर्टिकुलर सेपरेशन के लिए, फिर हम लोग उसकी डायमेंशंस डिफाइन करेंगे। ठीक है, इतनी बात हमको सबसे पहले आनी चाहिए समझ में। नाउ अब मैं यहां से जस्ट बात करूंगा, यहां से जस्ट मैं बात करूं, यस अब मैं इसके बाद बात करूंगा स्टेप वन। अब देखो हर एक स्टेप की मैं बात करूंगा वन बाई वन, ठीक है। ये पांच जो स्टेप हैं, अब इनकी वन बाई वन बात करना स्टार्ट करूंगा, तो पूरा प्रोसेस को पूरा कनेक्ट करते हुए चलना, समझते हुए चलना। अब मैं बात करूंगा किसकी, सबसे पहले स्टेप नंबर वन की। तो स्टेप नंबर वन क्या है, डिटरमाइन द प्रोसेस ऑपरेशन वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमको ऑपरेशन वेरिएबल्स को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन वेरिएबल्स कौन से होंगे, तो आपको इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा, वहां पे आपसे बोल देगा डिजाइनिंग बताओ मैं थोड़ा, ठीक है। तो आप पहले बोलोगे कि सर हमें ऑपरेशन वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। ऑपरेशन वेरिएबल कौन कौन से डिफाइन करने होंगे, देखो मैं बता देता हूं आपको। आपका एज्यूम कर लेंगे कोई फीड फ्लो रेट, आप 100 मोल पर आर के रिस्पेक्ट में भेजना चाह रहे हैं, जिस रेट से भी आपको भेजना है तो आप फीड फ्लो रेट डिफाइन कर लेंगे, या उल्टा भी चल सकते हैं। इनकेस आप कहीं से किसी से मांग के लेकर आए हैं, ONGC वगैरह से कॉलम वगैरह मांग के लेकर आ गए, अब कॉलम का डायमीटर हाइट फिक्स है, तब आप अपनी फीड फ्लो रेट चेंज करेंगे, ठीक है। बैक भी जा सकते हैं आप, सपोज कर लो आपने अपनी इंडस्ट्री लगाई और आपने गए ONGC के पास, सर आपके पास कोई पुराना कॉलम पड़ा हुआ है दे दो, तो कॉलम लेकर आ गए, तब फिर फीड फ्लो रेट एज्यूम नहीं करोगे, फीड फ्लो रेट कैलकुलेट करोगे कुछ कॉलम के हिसाब से। अभी क्या कर रहे हो आप, कॉलम बाद में कैलकुलेट डिफाइन करोगे, ठीक है। कॉलम बाद में डिफाइन करोगे, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, ये मैं सीधा चल रहा हूँ, तब आपके पास कुछ नहीं है, तब आप लोग फीड फ्लो रेट डिफाइन करोगे। फीड फ्लो रेट डिसाइडेड बाय द कॉलम डायमीटर, उसके हिसाब से आपका कॉलम डायमीटर वगैरह डिसाइड होता है, ओके। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे फीड फ्लो रेट, ओके। और ऐसा भी हो सकता है, मैंने जैसा कि बताया, उल्टा भी जा सकता है, इनके कॉलम पहले है तो फिर कॉलम के डायमीटर और थिकनेस के हिसाब से आप फीड फ्लो रेट डिफाइन करेंगे, दोनों तरीके से हो सकती है बात, राइट right? तो बहुत ध्यान से समझना। तो फीड फ्लो रेट पहले आप डिफाइन करेंगे कि भैया इतने फ्लो रेट से हमको एंट्री करवानी है, ओके। अब फिर अपना कॉलम वॉलम कैसा, डायमीटर उसकी थिकनेस और हाइट कैसी रखनी है, वो फिर आप अपना देख लो, ठीक है, उस वो बात करनी है। फिर हमको क्या करना है, जो आप फीड लेकर आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि लाइट जो कंपोनेंट्स हैं फीड में उनके मोल फ्रैक्शंस कितने हैं, ये आप लोग पहले मीजर कर लेंगे। कंपोजिशन मीजर करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। तो लाइट कंपोनेंट होंगे, जो हैवी कंपोनेंट होंगे, उनके आपको कंपोजिशंस पता होंगे फीड की, जो आप फीड डाल रहे हैं, आप क्रीड ऑयल सपोज कर लो डाल रहे हो, तो क्रीड ऑयल के कंपोजिशंस आपको पता होंगे पहले, तो वो कंपोजिशंस आप लोग डिफाइन करेंगे कि राइट, क्योंकि फीड के कंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं ना। प्योरिटी ऑफ द डिस्टिलेशन, मतलब मार्केट में क्या डिमांड है उसके हिसाब से आप डिजाइन करेंगे सिस्टम को, ठीक है। आप बोलेंगे कि नहीं सर हमको 95% मेथेनॉल चाहिए, 95% अल्कोहल चाहिए, ठीक है, उतना मुझे हाई प्योरिटी के साथ डिस्टिलेट करना है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ये पहले डिफाइन कर देंगे XD की वैल्यू कि हमको 95% डिजायर चाहिए, ठीक है। तो ये आप डिफाइन कर देंगे, और बॉटम में कितना निकलना चाहिए ये भी आप सेट कर देंगे, बॉटम में कितना निकलेगा उतना ही सेट कर देंगे, इनके ज्यादा निकला तो उसको रिफ्लक्स से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और आप जब फीड लेकर आ रहे हैं तो फीड आपकी वेपर है या लिक्विड है, या प्योर लिक्विड है या पूरी पूरी वेपर है, ये आपको पहले डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। फीड आपको पहले, आपको फीड के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फीड आपको पता होना चाहिए, आप किस टाइप के फ्लूड को प्रोसेस करवा रहे हो,
ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस वेरिएबल्स हैं, ऑपरेशन वेरिएबल्स हैं, उसमें फीड की स्टोरी पूरी क्लियर होनी चाहिए कि आपकी फीड जो है उसमें कंपोजिशंस कैसे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फीड की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मींस आपका आपका वेपर है पूरी फीड, या पूरा लिक्विड है, या लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर है, ठीक है। तो आपका क्वालिटी ऑफ द फीड के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इतने आपको पैरामीटर्स आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप लोग नंबर ऑफ ट्रेस वगैरह डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। ट्रेस रिफ्लक्स रेशियो वगैरह तब आप डिफाइन कर पाएंगे, वो बात की बात है, पहले आपको इतनी बात पता होना चाहिए। सारे लोगों को फर्स्ट स्टेप क्लियर हुई क्या, एक बार सारे लोग जरा बताएंगे, फर्स्ट स्टेप सारे लोगों को क्लियर हुई? सर वॉइस वो डिपेंड करता है, कॉलम बहुत बड़ा बड़ा होता है भैया, ठीक है। आपने घर पे चिमनी वगैरह देखी होगी, आप अपने घर पे आसपास देखा होगा, ईंट वगैरह जो रहती है ना, ईंट वगैरह पड़े तो चिमनी वगैरह आपने देखी होगी, इतने बड़े बड़े कॉलम होते हैं। ठीक, फर्स्ट स्टेप सारे लोगों को क्लियर है, प्रॉपर तरीके से समझते चले जाइएगा। और अब ऐसा डिजाइनिंग पढ़ लो कि डिजाइनिंग का कोई गेट में क्वेश्चन और कभी भी इंटरव्यू में कोई चीज पूछी जाए तो आप बिल्कुल कंक्रीट तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, ठीक। तो ये बात सारे लोगों को समझ में आ गई। नाउ यहां से दूसरी मैं बात करूंगा, और क्या आपको पता होना चाहिए, और हम लोग क्या डिफाइन करेंगे। फिर इसके बाद आपका जो दूसरा ऑपरेशन करना होगा, दूसरा जो ऑपरेशन करना होगा वो आपको ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लगाना होगा, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लगाना होगा, ठीक है। आप मटेरियल बैलेंस निकालेंगे टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द डिस्टिलेट एंड बॉटम्स, यस, ठीक है। इन केस आप लोगों कैसे ओवरऑल बैलेंस लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू डी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इनकेस आपको फ्लोरेट आप लोगों को नोन है, फ्लोरेट नोन है तो आप कंपोजिशन निकाल सकते हैं। इन केस आप चाहते हैं कि कंपोजिशन मेरे फिक्स हैं तो फिर फ्लो रेट निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से चल सकते हैं। तो इसका कंपोनेंट लगा, कंपोनेंट बैलेंस एक तो ये क्या हो गया मटेरियल ओवरऑल बैलेंस, एक दूसरा आप लोग लगाएंगे, लिख लेंगे सारे लोग यहां पे, दूसरा आप लोग लिख लेंगे एफ इंटू जेड एफ इज इक्वल टू डी इंटू एक्स डी, जो मैंने पढ़ाया है आपको, और प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू, ठीक है। ये कंपोजिशन किसके है, लाइट लाइटर की। एक देखो डिस्टिलेशन कॉलम में जब भी आप पढ़ते हैं, एक हाइवियर की होते हैं, लाइटर की, लाइटर की उनको बोलते हैं जो आपका लेस मोर वोलेटाइल होते हैं, और जो हाइवियर की होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर वोलेटाइल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये कंपोजिशन लिख रहे हैं ये किसके हैं, लाइट की, ये कंपोजिशन किसकी है, जो लाइट की है, आपका मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है, तो उसमें आपकी हैवियर की भी होंगी और लाइट की भी होंगे, तो लाइट की भी लिख लो। लाइट की और हैवी की का मतलब क्या होता है ये समझ लो, हैवी की का मतलब होता है जो मोर आपका लेस वोलेटाइल कंपोनेंट हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, ठीक है, ये क्या होगा, लेस बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट, ठीक है। और जो लाइटर की होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है, जिनका वेपर प्रेशर कम होता है और वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उनको हम लोग बोलते हैं हैवी की, ठीक है। तो जो लाइट की है उनका कंपोजिशन है ये, किसका, जेड एफ लाइटर की, ठीक है। इट इज द कंपोजिशन ऑफ द लाइटर की इन द डिस्टिलेट, इट इज द कंपोजिशन ऑफ द लाइटर की इन द बॉटम, लिखते चले जाना। ये ओवरऑल बैलेंस है, ये कंपोनेंट बैलेंस है, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको अननोन होगी तो ये चीजें लगा के, क्योंकि फीड फ्लो रेट आपको पता होगा और डी डब्ल्यू आपने डिफाइन कर लिया है तो आप कंपोजिशन निकाल पाएंगे, ठीक है। आप एक्स डी एक्स डब्ल्यू की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। इनकेस आपने एक्स डी एक्स डब्ल्यू फिक्स कर दिया है तो आप डी और डब्ल्यू की आप फ्लोरेट पता लगा पाएंगे कि डिस्टिलेट में कितना फ्लोरेट जा रहा है और बॉटम में कितना फ्लोरेट जा रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, बस एक चीज आपको पता होना चाहिए। तो आप डिफाइन कर देंगे पहले फ्लोरेट, ठीक है, आप फ्लोरेट पहले डिफाइन कर देंगे तो आप कंपोजिशन आप पता लगा पाएंगे। इनकेस आपने कंपोजिशन फिक्स कर दिए तो फिर फ्लोरेट पता लगा पाएंगे कि किस फ्लोरेट के साथ हमको आउटलेट निकालना है, ओके। तो ये दोनों बातें सब मस्त तरीके से पहले लिख लो, ये ऑपरेशन लगा के आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। यस, क्वालिटी ऑफ द फीड विल बी चेंज, ठीक है। लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं कि एक ऑपरेशन जब तक रन करे, ठीक है, तब तक चेंज ना हो फीड की क्वालिटी, ठीक है। आप जब भी दूसरा ऑपरेशन करवाएंगे तो फीड की क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका जो उसमें फीड में कैसा है, फीड आपका इनकेस लाइटर कंपोनेंट उसमें ज़्यादा है, ठीक है, तो आप लोग उसको ऐसे ही भेज देते हैं। इनकेस उसमें हैवियर कंपोनेंट ज़्यादा है तब फिर फीड की क्वालिटी चेंज करते हैं, उसको थोड़ा हीट वगैरह करके भेजते हैं सो दैट आपके सिस्टम के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है सूर्य। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फीड में कैसा है। आप पता चला आप सस्ता वाला क्रूड ऑयल खरीद के लेकर आ गए, अब उसमें क्या होंगे,
उसमें लाइटर की कम होंगे, हैवियर की ज़्यादा होंगे। अब जब भी हैवियर की आपके क्रूड ऑयल में ज़्यादा है, इसका मतलब वो आपके लिए काम का क्रूड नहीं है, इसका मतलब आप मार्केट से सस्ता खरीद के लेकर आए हो। ठीक है, आपको सऊदी अरब जाना पड़ेगा, ठीक है, इधर उधर से कहीं खरीद के लेकर आओगे, चाइना वगैरह से, तो चाइना वाले गड़बड़ कर देते हैं, चाइना में भी है, ठीक है, तो चाइना वगैरह से इसी भी इंडिया की पटरी नहीं खाती, जाते हैं ये सऊदी अरब, सऊदी अरब से मिल जाता है। अब तो सऊदी अरब के साथ भी ONGC का कुछ लफड़ा चल गया है, तो ONGC सऊदी अरब से नहीं ले रहे, ठीक है। मेरे टाइम पे तो मैं HPCL में था, तब तो HPCL का तो आता था, यस, रिलायंस का तो USA से आता है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग से क्रूड ऑयल आता है, एक बार जाके गूगल कर लेना। हाँ, वो 10 वैल्यू की स्टोरी है, वो अलग बात है, वो मैं आपको पहले डिफाइन कर रखा हूँ। 10 वैल्यू के बेसिस पे आप लोग क्रूड ऑयल मस्त तरीके से खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है, वो 10 टोटल एसिड नंबर के बेसिस पे, ये मैं बता रखा हूँ, ठीक है। अब डिजाइनिंग वाला पार्ट चला है तो मैं उसके ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, पता चला 10 वैल्यू मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया तो फिर पूरा लेक्चर 10 वैल्यू पे ही चला जाएगा। ओके, चलो, इतनी बात सारे लोगों को आगे समझ में कि हम लोग क्या करेंगे। अभी मैं पूरा समराइज कर दूं कि पहले हमको सिस्टम को ऑपरेशन वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। ऑपरेशन वेरिएबल में हमको फीड फ्लोरेट क्या है, फीड की क्वालिटी क्या है, कंपोजिशन क्या है, बॉटम फ्लोरेट क्या है, ये सब हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपने मटेरियल बैलेंस लगा दिया, इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा डिटर्मिनेशन, दूसरी स्टेप है, जो सेकेंड स्टेप है वो है मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। ये आपके गेट में भी पूछा जाता है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। स्टेप टू, सारे लोग कॉपी में लिखेंगे स्टेप नंबर टू, सारे लोग कॉपी में लिखेंगे स्टेप नंबर टू, डिटर्मिनेशन द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको अब आर मिनिमम चाहिए, आर मिनिमम चाहिए, वो भी जाता है लेकिन उसमें लाइटर के उतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, वो भी आता है उसमें आपका, यस, जो बॉटम वाले प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, वैक्सी वगैरह ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, मिलता है, इंडिया का भी अच्छा है, लेकिन उसमें जो C1 से C5 आपको चाहिए क्या, C1 से C5 कंपोनेंट, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, इंडिया का इसी में तो ज़्यादा यूज है, ठीक है, गैस हर घर में यूज होती है, तो आप चाहते हैं कि आपका जो क्रूड ऑयल हो उसमें C1 से C5 कंपोनेंट, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन कंपोनेंट ज़्यादा हो, ठीक है, पता चला ये ज़्यादा नहीं है, और जो इंडिया में होता है वो होता है C8 to C12, ठीक है, जो क्रूड ऑयल होता है उसमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होती है, C8 to C12, यस, यहाँ से रिफाइन करने के बाद आप पेट्रोल डीजल बना तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल डीजल बन जाएगा, लेकिन थोड़ा वो ये कि रिफाइन ज़्यादा करना पड़ेगा। और आपको चाहिए क्या, जो इंडिया में ज़्यादा खपत होती है, जिनका ज़्यादा कंजम्पशन होता है, वो है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ठीक है, जो डेली घर में आप लोग खाना वगैरह खाते हो गैसेस से, तो वो ये ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो कहीं पे निकलता है, ठीक है, अभी भी इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अच्छा निकलता है, लेकिन बाहर से ज़्यादा आता है। चलो, तो डिटर्मिनेशन था मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। तो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कैलकुलेट करने के अगेन दो तरीके, एक है एनालिटिकल मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हम लोग बात किसकी करेंगे, ग्राफिकल मेथड की, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत मज़ेदार ये चीज़ है, ग्राफिकल मेथड की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो फॉलो करेंगे टू डिटर्मिनेशन ऑफ द आर मिनिमम कैलकुलेशन के लिए, आर मिनिमम कैलकुलेशन के लिए हम लोग जो मेथड फॉलो करेंगे वो हम लोग फॉलो करेंगे ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। अच्छा, अब वो सिंपल पूछेंगे कौन सी ग्राफिकल अप्रोच, आप कहोगे कि हम अज्यूम कर लेंगे मैकैप्थले अजम्पशंस, ठीक है। आप लोग बात करोगे किसके अकॉर्डिंग, मैकैप्थले ने बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो मैकैप्थले मेथड के थ्रू से हम लोग बात करेंगे, और बात करेंगे किसकी, बाइनरी मिक्सर की, बात किसकी करेंगे, फॉर बाइनरी मिक्सर के लिए, बाइनरी मिक्सर के लिए हम लोग रिफ्लक्स रेशियो निकाल लेंगे। अब सिंपल एक बात आ जाती है कि रिफ्लक्स मिनिमम की तो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये तो बता दो व्हाट इज द रिफ्लक्स रेशियो। जो रिफ्लक्स रेशियो है वो है क्या, वो आर जो है वो है क्या, आर होता क्या है, जैसा कि अभी आप लोग पढ़ चुके हो, रिटर्न अपॉन विड्रॉ, ठीक है। मतलब आपका ये कॉलम है, आपका सपोज कर लो ये कॉलम है, ठीक है, आप यहाँ पे गए, आपका यहाँ पे रिफ्लक्स ड्रम लगा हुआ है, तो रिफ्लक्स ड्रम से कितना आप रिटर्न फेंक रहे हो एल, और कितना आप विड्रॉ कर ले रहे हो, ठीक है। तो वो कौन डिफाइन करेगा, रिफ्लक्स रेशियो। तो रिफ्लक्स रेशियो जितना ज़्यादा, इसका मतलब आप पूरा का पूरा पार्ट रिटर्न कर दे रहे हो, ठीक है। तो रिफ्लक्स रेशियो जितना ज़्यादा, इसका मतलब आपका, आप पूरा मैक्सिमम पार्ट क्या कर दे रहे हो, रिटर्न ही कर दे रहे हो, कुछ भी विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये कितना रिटर्न कर रहे हो, कितना विड्रॉ कर रहे हो, ये डिफाइन करेगा कितना रिफ्लक्स रेशियो है सिस्टम का,
ठीक है। तो इसी की हम लोग बात करेंगे कि रिफ्लक्स रेशियो पहले हम निकाल लें कि हमको कितना बैक करना पड़ रहा है, ठीक है, कितना बैक करना पड़ रहा है, कितना हम लोग आउटलेट में निकाल रहे हैं, ये हमको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट, टू डिफाइन द नंबर ऑफ ट्रे। तो नंबर ऑफ ट्रे के हिसाब से आप लोग ये काम करेंगे, ओके। तो ये बात हमको समझ में आ गई। सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है। तो अब मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के लिए आपको मैकैप थिले के अजम्पशन पता होना चाहिए कि आप लोग किन किन चीजों को एज्यूम करके चल रहे हो। ये सिंपल आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में, अजम्पशन बता दो मैकैप थिले के, ठीक है। तीन से चार अजम्पशन है, पहले ये वाली लाइन लिख लेंगे सर लोग, ये वाला पेज, फिर मैं इसके अजम्पशन लिखवा देता हूं, उसको लिखना होगा, पहले इतना लिख लो। यस, दिस क्लास विल कंटिन्यू एवरी डे। यस, क्रैकिंग कर सकते हो, क्रैकिंग में आपका, यस, आपका जो कंपोनेंट होता है वो C8 के बाद ही वाले क्रैक करते हैं। क्रैक का मतलब एक लंबी साइकिल है, उसको आपको ब्रेक करना है। पहले इतना लिख लो सारे लोग, फिर मैं बात करूंगा आगे। नो, पेंशन सेपरेट की नीड नहीं है, जितना नीड है पेंशन सेपरेट की वो मैं बता दूंगा, ठीक है पार्थ, इतना पहले लिख लो। अब मैं यहां से जस्ट बात करूंगा कि आप लोगों के से सिंपल ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि मैकैप थिले के अजम्पशन क्या क्या है, ठीक है। जैसे आपने वर्ड यूज किया मैकैप थिले, तुरंत पूछ देंगे ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। तो ये मैकैप थिले का सबसे पहले जो मेन बात है, यहां पे मैं प्रॉपर तरीके से मेंशन करके लेकर आया हूं, व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ द मैकैप थिले। ये गेट में भी आ चुका है, ये गेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये चीज आपसे सीधे ओरली पूछ लेते हैं तो बहुत ढंग से लिख लेंगे। मैकैप थिले के अजम्पशन, सबसे जो पहला अजम्पशन है, राइट डाउन करेंगे सारे लोग, सबसे जो पहला अजम्पशन है कॉन्स्टेंट मोलर ओवरफ्लो रेट, ठीक है। आप मोलर, मोलर का मतलब मोलर फ्लो रेट है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट मोलर लिख लो, चाहे मोलर लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है, मोलर लिख लेना, कॉन्स्टेंट मोलर ओवरफ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो, जो लिक्विड उसमें कॉलम के अंदर है और जो वेपर कॉलम के अंदर है, उनका फ्लो रेट किसी भी प्लेट पे जाके चेंज नहीं हो रहा है, राइट। इनकेस आपका टॉप सेक्शन है तो टॉप सेक्शन में एवरीवेयर वेपर का फ्लो रेट सेम होगा एवरी प्लेट पर, ठीक है। देखो बात समझ लो, सपोज कर लो ये टॉप सेक्शन है और ये बॉटम सेक्शन है, तो टॉप सेक्शन में भी क्या जा रही होंगी, वेपर जा रही होंगी, और बॉटम सेक्शन से भी लिक्विड आ रहा होगा, ठीक है, यहां से क्या आ रहा होगा, लिक्विड आ रहा होगा, राइट। अब लिक्विड एवरी प्लेट पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये अजम्पशन है किसका, मैकैप थिले का, ओके। तो मैकैप थिले का ये अजम्पशन है कि कॉन्स्टेंट मोलर फ्लो रेट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वेपर एंड आपका क्या है, वेपर एंड लिक्विड दोनों इन ईच सेक्शन। अब ईच सेक्शन का मतलब जो ये सेक्शन होगा, यहाँ पे आपका बी बार होता है, एल बार होता है, आपने थोड़ा थ्योरी वगैरह पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था एल बार और बी बार, तो बी बार होगा जो स्टिपिंग सेक्शन में किसी भी प्लेट पे आपका चेंज नहीं होगा, ये पहला जंक्शन है। एल बार है वो किसी भी प्लेट पे जाके चेंज नहीं होगा, स्टिपिंग सेक्शन, यस। एल बार कैन बी डिफरेंट फ्रॉम एल, मतलब ये जो बात कर रहा है, ये बात ये कर रहा है कि जो ये दोनों सेक्शन है इसमें फ्लो रेट चेंज नहीं होंगे। बीवार पूरे कॉलम का मतलब स्ट्रिपिंग वाले सेक्शन में बीवार चेंज नहीं होगा। इनरिचिंग सेक्शन मतलब टॉप सेक्शन, टॉप सेक्शन में बी चेंज नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस। सारे लोगों को बात आ रही है ना समझ में, क्या मैं बोल रहा हूं, क्या चीज चेंज नहीं होगी और क्या चीज चेंज होगी, ठीक है। मतलब जो अजम्पशन क्या है, कॉन्स्टेंट मोलर ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि भैया जो फ्लो रेट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे कॉलम में, ईच कॉलम, ईच कॉलम का मतलब इनरिचिंग सेक्शन और स्ट्रिपिंग सेक्शन, ओके। तो ये फ्लो रेट चेंज नहीं होगा, दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ द मैकैप, ठीक है। ये भैया पहला अजम्पशन है इसका, राइट। एंड ऑपरेटिंग लाइंस, ऑपरेटिंग लाइन जो आपके टॉप सेक्शन और बॉटम सेक्शन की होंगी वो y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म बनाएंगी, y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म बनाएंगी। आपने देखा भी था, आपने ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशंस जब भी ड्रॉ की थी तो वो कैसी थी, आपकी लीनियर थी, आपने देखा था, चाहे ऑपरेटिंग लाइन स्टिपिंग सेक्शन की हो, चाहे इनरिचिंग सेक्शन की हो, चाहे फीड लाइन की हो, सारी कैसी थी, स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। चलो, तो ये अजम्पशन पहला सारे लोग राइट डाउन करेंगे। दूसरा अजम्पशन मैं और समझा देता हूं, ये पूछते हैं बहुत ढंग से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू के लिए,
बता रहा हूँ, बार का इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ मैकैथ 3 तो जरूर पूछ लेते हैं, ठीक है। डेसिलेशन में जैसे आए मैकैथ 3 के एग्जम्पशन पूछते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी इंटरव्यू के लिए, और गेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नाउ हीट इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल, ठीक है, मतलब क्या हुआ, जितनी हीट लॉस होगी उतनी हीट आपको गेन हो जाएगी। लॉस कैसे होगी, जब आपका देखो हीट गेन का मतलब कब होगी, गेन कब होगी, गेन आपका लिक्विड को मिलेगा और लॉस कौन कर रहा होगा आपका, यस, जब आपका लिक्विड वेपर हो रहा होगा तो उसको हीट मिल रही होगी, लिक्विड को वेपराइज करने में हीट सप्लाई करोगे। अब जैसे जब आपका वेपर होगा वो कंडेंस भी हो रही होगी, तो वेपर कंडेंस होगी तो हीट रिलीज होगी, बात समझ में आ रही है। मतलब क्या हो रहा होगा, लिक्विड और वेपर आप चाहते हो कि ऑल टाइम डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर रहें, तो लिक्विड क्या हो रहा होगा, वेपराइज हो रहा होगा, तो वेपराइज हो रहा होगा लिक्विड, जब वेपराइज करोगे तो हीट क्या करोगे उसको दोगे, ठीक है। अब जो ऊपर से जो लिक्विड आ रहा है वो वेपर आ रही है वो कंडेंस भी हो रही होगी, अब कंडेंस हो रही होगी इसका मतलब हीट रिलीज भी करेगी, तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों पैरेलली एक साथ चलेंगे, तो जितना हीट वेपराइज करेगा एक मोल को लिक्विड से वेपर कन्वर्ट करने में उतनी हीट रिलीज कर देगा जब अपने एक मोल वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो हीट इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल, यस, देखो ये बात देखो लिखी हुई है थर्ड पॉइंट में, ठीक, यस। और फोर्थ पॉइंट और समझ लो सारे लोग, फोर्थ पॉइंट और समझ लो, मतलब जो ट्रे है आपकी, यहां से क्या जा रही होगी, वेपर जा रही होगी और यहां से आपका लिक्विड आ रहा होगा, तो ट्रे में जो वेपर जा रही होगी उसमें आपका लाइट कंपोनेंट का जो भी मोल फ्रैक्शन रहा होगा, और जो पर्टिकुलर ट्रे पे जो आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट लीव कर रहा होगा, ये दोनों किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। दिस इज द लास्ट अजम्पशन ऑफ द मैकैथ 3, ठीक है, वेपर और लिक्विड एवरी ट्रे पे क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक, एवरी ट्रे पे क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। पढ़ लो प्राइवेट, क्या पढ़ लो अच्छे से, प्राइवेट नहीं होगा, डोंट वरी, लेकिन पढ़ लो, ये सब मत सोचो, ठीक है, अभी जो चीज चल रही है उसको सोचो। पता चला इसी चक्कर में बैठे हुए हैं, अरे यार प्राइवेट हो जाएगा, जो चीज़ें अभी चल रही है ये नहीं समझ में आएगा कि हीट इफेक्ट आर नेग्लिजिबल, इसका मीनिंग नहीं आएगा तो फिर समझ में, ठीक है, तो अभी से सब नहीं सोचना है। यस, इक्की मोलर काउंट, इक्की मोलर डिफ्यूजन होता है इसमें, मैंने आपको पढ़ाया था डिफ्यूजन में, ठीक है, तो ये सिद्धार्थ नहीं सोचना है, करंट प्रोसेस को मस्त तरीके से फॉलो करो, कोई प्राइवेट नहीं करवाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलो राइट डाउन करो सारे लोग प्रॉपर तरीके से इसके अजम्पशन, इतने अच्छे वे में आप लोग थोड़ा जल्दी नहीं मिलेंगे, आप लोग यहां से नोट कर लेंगे, ये एक मैंने एक जगह इसको लिखकर मैं दे दिया हूं आपको। ना 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 ना, ना। दिस इज नॉट मीनिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम, अभी मैं बता रहा हूं MR100, तुम तो ठीक है अपने इतने, तो तुमको तो बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ भाई, अभी बता रहा हूँ MR100 भाई, डोंट वरी। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नॉट कंपोजिशन इज सेम, इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि कंपोजिशन सेम, टेम्परेचर प्रीवियस। इक्विलिब्रियम का देखो मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कर लो ये ट्रे है, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करेगा मतलब जो वेपर प्लस लिक्विड का जो सेपरेशन होगा वो इसी ट्रे पे होगा, ठीक है, वेपर प्लस लिक्विड का मतलब जो यहां से वेपर जा रही होगी x, और जो यहां से जा रही होगी y और x, इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर होगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग विल बी सेम, इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में आ गया। गिब्स फ्री एनर्जी इज द सेम, इस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी, इस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, राइट। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या होगा आपका वाई और एक्स इज डिफरेंट, ठीक है, ये लिक्विड है ये गैस है, कंपोजिशन सेम नहीं होंगे, ओके, कंपोजिशन सेम हो गए तो यार यहाँ पे तो सेपरेशन हो रहा होगा ना, आप समझो ये प्लेट पे क्या हो रहा होगा, सेपरेशन हो रहा होगा, यार वाई है और एक्स है, इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, सेपरेशन हो रहा होगा, ये ट्रे है, इनकेस कंपोजिशन सेम हो जाएंगे तो फिर सेपरेशन ही नहीं होगा, सेपरेशन होने के लिए ये इक्विलिब्रियम, इसका मतलब जो भी ये डेटा आएगा वाई इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन वन प्लस अल्फा माइनस वन एक्स, यहाँ से आप लोग इक्विलिब्रियम मिलेगा आपको, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है, आपको अल्फा पता होगा तो ये आपको वाई एक्स मिल जाएगा। दिस इज नॉट फ्रॉम ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन से नहीं मिलेगा, ये इक्विलिब्रियम रिलेशन से आपको मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से आपको मिलेगा, ठीक,
कभी भी ये मत सोचना कि ये इक्वल होंगे। इरेज किए दे रहा हूँ मैं इसको, चलो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, डन, इसको डन। ठीक, डन, इतना आप लोगों ने लिख लिया। अब मैं इसके बाद बात करूं, अब आपको क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सर लोग, ये बताओ जरा, व्हाट इज द योर ऑब्जेक्टिव, पहले ये बताओ सर लोग, मुझे बताते तो चलो प्रोसेस में हो कि नहीं हो, व्हाट इज द आवर ऑब्जेक्टिव सर लोग, जरा ये बताओ कमेंट करके, अपना ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा है अभी पिक्चर में, अपना जो प्रोसेस चल रहा है उसका क्या चल क्या रहा है अभी, मतलब हम लोग किसके लिए ये सब कर रहे हैं। सेपरेशन ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर चीज के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो, वेरी गुड सिद्धार्थ, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो की कहानी चल रही है। तो मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो निकालने के लिए आपको ग्राफिकल मेथड पे जाना पड़ेगा। अब ग्राफ आप बनाओगे कब, जब आप बहुत सारे मैकैप के अजम्पशंस लेकर बैठोगे, ठीक है, तभी आप ग्राफ बना पाओगे। तो अभी कैलकुलेशन किसकी चल रही है, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो की, तो वी केयरफुल अबाउट दैट। अभी जो भी आपकी बात चल रही है वो मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो की चल रही है, राइट, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो पे भी आपका काम चल रहा है, टू कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो, फाइन, यस। अब आ जाओ, अब मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो पे भी इतनी आसान नहीं है पहुंचना, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो पे इतना आसान नहीं है पहुंचना, पहले आपको दो दिन बहुत काम करना पड़ेगा मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो तक पहुंचने में। मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो पहुंचने के लिए एक रास्ते में पड़ेगा इक्विलिब्रियम कर्व, तो अभी आपको इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो, ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम कर्व डिफाइन करना पड़ेगा। अब इक्विलिब्रियम कर्व डिफाइन करना है, ये एक अलग, एक अपने में एक पूरा लेक्चर है इसका, ठीक है, पूरा लेक्चर है इसका इक्विलिब्रियम कर्व डिफाइन करने के लिए, राइट। तो सारे लोग हेडिंग डाल देंगे इक्विलिब्रियम कर्व, मैं हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूं, सारे लोग हेडिंग डाल देंगे इक्विलिब्रियम कर्व, चलो हेडिंग डाल देंगे सारे लोग इक्विलिब्रियम कर्व। ये भी एक बहुत ही, इस पे अलग से गेट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे अलग से पूछते हैं इक्विलिब्रियम कर्व पे, ये तो एक अलग चर्चा है, इसको मैंने कम से कम 4 या 5 लेक्चर में पढ़ाया है यूट्यूब पे, आप लोग देखना जाके, बहुत ढंग से पढ़ाया है, 4 से 5 लेक्चर में पढ़ाया गया ये। चलो इसकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, डिजाइनिंग पे आपके लेक्चर चलेंगे काफी, लगभग 6 से 7 लेक्चर चलेंगे डिजाइनिंग का, ठीक है, इतनी जल्दी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ है डिजाइनिंग में, यस। अब देखो डिजाइनिंग की जो मैं बात कर, यस, लेकिन ये है कि तुमने यहाँ कवर कर ली तो इंटरव्यू में, लाइफ में कहीं पे भी डिस्टिलेशन कॉलम से क्वेश्चन पूछा जाएगा और मास ट्रांसफर में डिस्टिलेशन से पूछा जाएगा, तो आप लोग डेफिनेटली उसका आंसर तो दे ही देंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, प्रॉपर तरीके से आपने समझ ली चीज़ें। तो ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व, तो सबसे पहले हम लोगों को इक्विलिब्रियम कर्व भैया डिफाइन करना होगा। अब इक्विलिब्रियम कर्व कैसे हो सकता है, आप लोग थोड़ा भूल गए हो तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इनकेस आपको हल्का हल्का आइडिया रहेगा तो, ठीक है, चलो। इक्विलिब्रियम कर्व आपको याद होगा तो यहाँ पे आप लोग लेते थे लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू आप बोलते थे कि 0 होगा, और यहाँ पे आप बोलते थे मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये तो आप बात करते थे। ए अपना क्या है, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, ए इज द मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट और बी इज द लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट, राइट, बी इज द लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट। आपको याद होगा हम लोगों ने इसके प्योर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी पता लगा लिए थे टीवी, ठीक है, और इसका हम लोगों ने प्योर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी पता लगा लिया था टीए, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि अपना क्या है मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट इधर है, और इस वाली लाइन पे क्या है प्योर अपना लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, राइट, ये बात सारे लोगों को समझ में आती है, क्योंकि जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा, कंपेरेटिवली लेस बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट, ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये मोर होगा, लिखते चले जाना सारे लोग बहुत ढंग से, यस, टी एक्स वाई डायग्राम, यस, ठीक।
तो ये क्या होगा, अपना मोर बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, ये हम लोग निकालते कैसे थे, इनके साथ थोड़ा रिकॉल करेंगे। तो हाउ टू बी द कैलकुलेट द टीबी एंड टीए, कैन यू प्लीज टेल मी वंस, एक बार मेरे को जरा फिर से बताएंगे क्या, थोड़ा मैं रिकॉल करवा दूं आपको। हाउ टू बी द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टीबी एंड टीए, कैसे कैलकुलेट करते थे, किसी को याद है क्या? जल्दी से बताओ यार, तभी मजा आएगा अच्छे सिस्टम को सीखने में, तभी मजा आएगा। अदरवाइज जो सीखने वाला पार्ट रह जाता है ना, वो रह जाता है फिर हम लोगों को। और इसमें मैं सिखा के छोड़ूंगा, आप दो बच्चे देखेंगे यहाँ पे लाइन में, मैं दो बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं डिसाइड करके आया हूँ, मैं पढ़ाऊंगा बहुत ढंग से इसको, लेकिन छोड़ दूंगा सिखा के, बाद में जो देखेगा वो फिर अपने आप वो दिखता रहेगा। यस, एंटोइन इक्वेशन से, वेरी गुड, एंटोइन इक्वेशन से, कहां से, एंटोइन इक्वेशन से, आ जाओ गुरु, एंटोइन इक्वेशन। एंटोइन इक्वेशन होती क्या थी जरा देखो, एंटोइन इक्वेशन सारे लोग लिखते चले जाएंगे। एंटोइन इक्वेशन जो होती थी, यस, वेरी गुड वेरी गुड, एंटोइन इक्वेशन होती क्या थी, एलन पी सेट की मैं बात करूं, पी सेट इक्वल टू ए माइनस का बी अपॉन टी प्लस का सी। ठीक, यही तो एंटोइन इक्वेशन होती थी। तो हमको, हम जो भी कॉलम को ऑपरेट कर रहे हैं, हम प्रेशर, जब भी इक्विलिब्रियम कर्व आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक क्वांटिटी को आपको फिक्स करना पड़ेगा, प्रेशर को आपको फिक्स करना पड़ेगा या टेम्परेचर को आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनेगा, टी एक्स वाई डायग्राम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टी एक्स वाई डायग्राम का मतलब हम लोग यहाँ पे प्रेशर फिक्स कर देंगे, 1 एटीएम 2 एटीएम जितना भी होगा, लेकिन प्रेशर की वो वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, अच्छा, अब हमको चाहिए क्या, टीवी। तो बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लेना, टीवी कैसे निकालेंगे, टीवी क्या है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बी कंपोनेंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई मेरे को यहां पे बताएगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉइलिंग, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉइलिंग, सारे लोग जरा बताएंगे क्या। ये भी मैंने, जो अभी बच्चे प्लस पे पढ़ रहे हैं उनका लेक्चर यही चल रहा है, ठीक है, अभी लास्ट में खत्म हुआ है, बहुत तगड़े, जो भी प्लस का स्टूडेंट होगा मुस्कुरा रहा होगा। पी टोटल इक्वल टू पी सेट, ठीक, पी टोटल इक्वल टू पी सेट, वेरी गुड। तो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पी सेट के। ये आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक, जैसे सैचुरेशन प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना है, ठीक, एवोपरेशन सर्विस फिनोमिना है, एवोपरेशन इज डिफरेंट बट बॉइलिंग इज डिफरेंट। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग में बल्क मूव करता है, एवोपरेशन में सिर्फ सर्फेस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ओके, तो बॉइलिंग होगी, तो बॉइलिंग का मतलब टोटल प्रेशर सैचुरेशन प्रेशर के बराबर हो गया, तो आपका प्रेशर यहाँ पे फिक्स है, प्रेशर आपका क्या है, फिक्स है, आप यहाँ पे उठा के रख देंगे प्रेशर P टोटल। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा टी ए, सिमिलरली टी बी, क्योंकि ए बी सी कंपोनेंट ये टी बी के लिए अलग होंगे, ए कंपोनेंट के लिए अलग होंगे और बी कंपोनेंट के लिए ए बी सी अलग होंगे, तो ए बी सी की वैल्यू अलग होगी, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे टी ए एंड टी बी। सारे लोगों को पहले ये बात आ गई समझ में क्या, हाउ टू बी द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी ए एंड टी बी, सारे लोगों को ये बात आ गई समझ में। यस, बॉइलिंग विल अकर, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग वहां पे होने लगेगी, दिस इज द कंडीशन ऑफ बॉइलिंग, दिस इज द कंडीशन ऑफ बॉइलिंग, ओके, MR100, दिस इज द कंडीशन ऑफ द बॉइलिंग। सारे लोगों को टी ए और टी बी आ गया समझ में, एवरीवन, टी ए और टी बी तक सारे लोग पहुंच गए, सारे लोग टी ए और टी बी तक पहुंच गए। ठीक, अब आपने क्या किया, ये क्या है, एक रेंज है, दिस द रेंज। ठीक है, तो मैं किसी एक मिक्सर को ले लेता हूँ, ए प्लस बी के किसी पर्टिकुलर मिक्सर पे ले लेता हूँ, जिसका कंपोजिशन मान लो बी है 60%, बी है आपका 60%, ठीक है, और ए है आपका 40%। ठीक है, तो आपने क्या किया, सिस्टम को हीट करना स्टार्ट किया, आपका पहला पॉइंट मिला, पहला पॉइंट मिला, इसी तरीके से तो आप बात करते थे, किसी को याद आ रहा है क्या, थोड़ा बहुत किसी को याद आ रहा है, इस तरीके से ये पॉइंट मिलते चले जाते थे, और सिमिलरली आप क्या, फिर आपको क्या मिलता था, ये आपका लिक्विड था, ये वेपर, लिक्विड प्लस वेपर,
कि फिर आप हीट करते थे तो लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड की भी वेपराइज हो जाती थी, तब फिर आपको ये पॉइंट्स मिल जाते थे, फिर आपको लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड। सिमिलरली आप इनको क्या कर देते थे, ज्वाइंट कर देते थे। सिमिलरली आप क्या कर देते थे, इनको ज्वाइंट कर देते थे, ठीक है। तो आप इनको क्या कर देते थे, इनको आप लोग सिंपल ज्वाइंट कर देते थे, राइट, फाइन। इस तरीके से आपको मिल जाते थे ये वाला बबल पॉइंट, ये क्या हो गया आपका ड्यू पॉइंट कर्व, ये ड्यू पॉइंट कर्व, दिस द बबल पॉइंट कर्व, ठीक है, दिस द बबल पॉइंट कर्व, दिस द ड्यू पॉइंट कर्व, दिस द ड्यू पॉइंट कर्व। मैंने हल्का सा आइडिया दे दिया, दिस द बबल पॉइंट कर्व, बबल पॉइंट कर्व, बबल पॉइंट कर्व, ठीक। ये बबल पॉइंट कर्व है, ये ड्यू पॉइंट कर्व है, राइट। तो इस तरीके से अपना टी एक्स वाई डायग्राम आ जाता था, ओके। इसको बोलते थे टी टी वाई डायग्राम, ये टी वाई डायग्राम है, ठीक है, और ये टी एक्स डायग्राम है, और ये अपना क्या है, टी वाई डायग्राम, टी वर्सेस वाई डायग्राम, हाँ, ये टी वाई, ये थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, ये सही कर लेना यहाँ पे, ये टी वाई होगा, ये टी एक्स होगा, ये टी वाई डायग्राम है और दिस द टी एक्स डायग्राम, यस, लोकस ऑफ द ऑल द बबल बबल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड बबल पॉइंट कर्व, लोकस ऑफ द ऑल बबल पॉइंट इज नोन एज बबल पॉइंट कर्व, लोकस ऑफ द ऑल ड्यू पॉइंट इज नोन एज ड्यू पॉइंट कर्व, फाइन। चलो डन, परफेक्ट, इतना आप लोगों ने लिख लिया, ठीक। इस तरीके से अपना आता था, ये मैंने ग्राफिकल मेथड बता रहा हूँ, मतलब एक्सपेरिमेंटल, ये एक आपका एनालिटिकल मेथड भी है, वो भी आप लोग सीख लेंगे, ओके। अब अपन को बनाना है एक्स वाई डायग्राम, अब अपन को बनाना है एक्स वाई डायग्राम, पहले इतनी बात आ गई समझ में। अब मैं इसको थोड़ा मूव कर दूँ, इसको मूव कर दूँ, सारे लोगों ने बना लिया, लिख लिया है ना, सारे लोगों ने लिख लिया, चलो डन डन, ओके। अब मैं बात करूंगा किसकी, एक्स वाई डायग्राम की, तो बहुत ध्यान से देख लेना। अब बना लो आप लोग दो फिगर बना लो, ये आपने टी एक्स वाई डायग्राम बना के आ गए हो अभी, और एक अभी आपको और बनाना है एक्स वाई डायग्राम, ठीक, एक और बनाना है आपको एक्स वाई डायग्राम, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं, आपने एक्स वाई डायग्राम आप लोग सीख गए हो, जिसको बहुत डिटेल में टी एक्स वाई डायग्राम चाहिए, बहुत डिटेल में, ठीक है, YouTube पे चले जाए, मेरे सेशन सारे पड़े हुए हैं, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में टी एक्स वाई डायग्राम पढ़ाया है, ठीक है। एक एक चीज़ बताइए कि कैसे कोई पॉइंट रखेंगे, वो तक मैंने वहाँ पे बताया है, ठीक है, बिल्कुल आराम से वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये था अपना टी बी और ये था अपना टी ए, राइट। एक बच्चे ने भी इतने मस्त तरीके से फिगर भी इसका बना के एक्सेल में भेजा था, इट्स वेरी गुड, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा टी एक्स वाई, ये हो गया आपका डायगोनल 45 डिग्री लाइन, ठीक है, ये 45 डिग्री लाइन होगी। अब इसको बनाना है एक्स वाई डायग्राम, तो समझ लो सारे लोग एक बार में फिर से जल्दी से, हम लोग क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गए, सपोज कर लो इस टेम्परेचर पे गए, ठीक है, कोई भी बीच का एक टेम्परेचर हमने चूज कर लिया, ठीक है, डिजाइनिंग में यही होता है, एक बीच का हम लोग टेम्परेचर चूज करते हैं, ठीक है, किसके किसके बीच का, टी ए और टी बी के बीच का, कोई भी हमने एक इंटरमीडिएट टी वन टेम्परेचर चूज कर लिया, ठीक है। अब कोई भी इंटरमीडिएट टेम्परेचर चूज करेंगे तो वो लिक्विड प्लस वेपर में क्या करेगा, सेपरेट करेगा, तो लिक्विड प्लस वेपर में ये क्या कर देगा, अपना सेपरेट कर देगा। तो वेपर को आप यहाँ पे डाल दो डायगोनल पे एक्स वाई लाइन पे, और इसको भी प्रोजेक्ट कर दो एक्स वाई लाइन पे, ठीक है, और इसको क्या कर दो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक। इसको चलो मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, इसको मैं थोड़ा डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, इसको आप इस तरीके से, ठीक, ये आया। तो एक पॉइंट आपका कौन सा मिल गया, एक पॉइंट आपका मिल गया दिस वन, ये वाला एक पॉइंट आपको मिल गया, राइट। फिर आप क्या करेंगे, फिर एक दूसरा टेम्परेचर चूज कर लो,
फिर आप दूसरा आपने टेम्परेचर चूज किया T2, ठीक है, इसको आपने दूसरा टेम्परेचर चूज किया, यहाँ पे भी आपको Y और X मिल गया, ठीक है, ये क्या आ गया आपका Y, समझते चले आना सर लोग, अगेन आपका आ गया ये Y आ गया और ये आपका X आ गया, ठीक, और इसको आपने फिर से आपने हॉरिजॉन्टली मूव करवा दिया तो आपको एक दूसरा पॉइंट अगेन मिल गया, एक आपको फिर से मिल गया क्या दूसरा पॉइंट, ठीक, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, मतलब T2 पे फिर से आपने एक तीसरा टेम्परेचर चूज कर लिया, फिर से आपने तीसरा टेम्परेचर चूज कर लिया, तो मैं कलर चेंज किए दे रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, चल आपने एक तीसरा टेम्परेचर चूज कर लिया, ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग अगेन आपके एक्स और वाई डेटा मिले, एक्स और वाई डेटा मिले, इसको आप नीचे सीधे प्रोजेक्ट कर दो, और यहां से आपका लिक्विड डेटा मिला, ठीक है, और इसको फिर आपने आगे बढ़ा दिया तो अगेन आपको एक पॉइंट मिल गया, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल गया, फाइन, ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक, तो इस तरीके से आपके क्या होते चले जाएंगे, समझ लेना सर लोग, समझ में आ रहा है ये बात आ रही है सर लोगों को समझ में, जितनी आपकी टाई लाइन्स होंगी उतने पॉइंट मिलेंगे, एक टाई लाइन, दो टाई लाइन, ये T3, तो T1, T2, T3, तो T1 टेम्परेचर कौन सा है, T1 टेम्परेचर कौन सा है, ये वाला T1, ये टेम्परेचर क्या है T2, ये टेम्परेचर क्या है T3, ठीक है, और भी जैसे जैसे आप लोग बढ़ेंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किधर हो रहा है, टॉप टू बॉटम, तो बॉटम में क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है, देख रहे होगे आप लोग, और इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे, इनको आप क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से मिला देंगे, ठीक, ये सारे पॉइंट को प्रॉपर तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से आपका बन जाएगा इक्विलिब्रियम का, ठीक है, आप देख रहे होंगे टेम्परेचर किधर बढ़ रहा है, बॉटम साइड में, क्योंकि देखो T3 आपका कौन सा था, ये वाला, ठीक है, T2 कौन सा था, ये वाला, T1 कौन सा था, ये वाला, तो T1 कम था, T2 ये, तभी आपका ये बॉटम कहाँ पे होता है, यहाँ पे मिलता है XW, XD कहाँ मिलता है, टॉप में, ठीक, तो टॉप में क्या होगा, आप इधर और कर देंगे, इधर यहाँ पे कोई मिनिमम टेम्परेचर ले लेंगे तो एक यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से T1 T2 T3 मिल जाते हैं, तो इनको मिला देते हैं तो टेम्परेचर आपका इस डायरेक्ट में, अब ये क्या हो गया आपका, आप लोग देख लेंगे, ये T3 टेम्परेचर पे, T2 ये T1 टेम्परेचर पे, ठीक है, ये T1 था, ये T2 था, ये T3 था, लिख लेंगे प्रॉब्लम, ये इक्विलिब्रियम कर्व मिल गया, समझ लेंगे इसको बहुत ढंग से, बड़ा क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है ये, इतना आसान नहीं है इसको बनाना, तब बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी सही बना पाओगे, अदरवाइज सही नहीं बनता ये, आपको मैं बताऊँ ये पता ही नहीं लगता कौन सा मिला है, तब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे तभी ये बना पाओगे आप, ठीक है, तो बहुत अच्छे से बना लो, एक दो लोगों ने तो मुझे मैंने अभी प्लस में पढ़ाया था तो उन लोगों ने पता क्या किया है, जो अपना वो होता है ना ग्राफ पेपर और एक्सेल, ग्राफ पेपर पे एक बच्चे ने बनाया, एक बच्चे ने एक्सेल पे बना के मेरे को भेजा है, एक्सेल पे प्रॉपर तरीके से ये सारे पॉइंट लिए, एक मैंने उनको क्वेश्चन दिया था डिजाइनिंग का, ठीक है, तो वो डिजाइनिंग का क्वेश्चन था, प्रॉपर तरीके से उसने पूरा पहले किया, 3 से 4 पेज का वो क्वेश्चन था एक ही, जो आपके बीटेक में आया करते थे, ठीक है, उसने प्रॉपर तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वो टेम्परेचर लेता चला गया इनके बीच में, और प्रॉपर तरीके से उसने पॉइंट निकाले और एक्सेल पे बनाए, ठीक है, मैंने ग्रुप पे भी उसका वर्क डाला था, आप लोग होंगे अपने ग्रुप पे तो देखा होगा उसका, मैंने सारा ग्रुप पे पुट किया था, कुछ लोगों ने देखा होगा, इंजॉय किया होगा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको कभी बनाओ मजा आएगा आपको, डन, ये पूछ लेते हैं, बना के दिखाओ ये इक्विलिब्रियम कर्व कैसे आया, एक तरीका ये हो गया, इसके मैं 3 तरीके आपको बता दूंगा इक्विलिब्रियम कर्व के, देखो दिस इज द एक, ये मतलब एक अच्छा असली फीलिंग लानी है तो ऐसे बनाना है, इसके देखो दूसरा मेथड समझ लो, यस अभिनंदन था, यस अभिनंदन था, वेरी गुड, बहुत अच्छे से उसने पता ये बना के भेजा था, यस मैंने ग्रुप पे डाला था अभिनंदन, वेरी गुड, चलो ये हो गया डन, अब देखो इसका दूसरा मेथड और तीसरा मेथड बस ऐसे ही समझ लो, और इसके मेथड, ये मेथड 1 आ गया ना सारे लोगों को समझ में, दिस द मेथड 1 टू ड्रॉ, दिस द एक्चुअल मेथड, ये मजेदार चीज है मेथड 1, ठीक है, ये भैया पहला मेथड है, पहला तरीका है ये, दूसरा तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का वो समझ लो, डन बना लिया आप लोगों ने, सारे पॉइंट आ गए ना सारे लोगों को समझ में, कैसे ड्रॉ हुए थे ये पॉइंट आ गए थे ना सारे लोगों को समझ में, जल्दी ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चलो अब दूसरा मेथड समझ लो, दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड देखो समझो, सारी चीजें समझते चले जाओ अच्छे से, सेकंड मेथड, अभी बात रिफ्लेक्स रेशियो पे ही पहुंचनी है अल्टीमेट, और रिफ्लेक्स रेशियो पे पहुंचने के लिए इन सारी क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा आपको, ओके, बात किसकी करनी है, रिफ्लेक्स रेशियो की, तो इन सारी चीजों को
क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके रिफ्लेक्स रेशियो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। डिजाइनिंग में ये सब कुछ करना पड़ता है। नाउ सेकंड मेथड क्या है? एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड एनालिटिकल मेथड एनालिटिकल मेथड क्या है समझना सारे लोग, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट सारे लोग समझना। पी टोटल अपना क्या होता है? पी टोटल इंटू, चलो मैं एक एक करके लिख देता हूं, वाई इक्वल टू एक्स ए पी ए सेट, ठीक है, राइट, राउल्ट्स लॉ तो यही तो बोलता है, ठीक। और ए के लिए लिख दिया, मैं बी के लिए लिख दूं, पी टी इंटू वाई बी लिख दूं इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी सेट। बहुत ध्यान से समझना, ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, फाइन। दिस इज द आवर इक्वेशन वन, दिस इज द आवर इक्वेशन टू, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये पी टोटल तो मुस्कुरा के बाहर आ जाएगा। इधर बचेगा वाई ए प्लस का वाई बी, और इधर आपका क्या बचेगा? एक्स ए पी ए सेट प्लस का एक्स बी पी बी सेट। समझते चले जाओ सारे लोग मस्त तरीके से, बात समझ लेना। ये वाई ए प्लस वाई बी क्या हो गया गुरु? वन हो गया, खत्म। तो पी टोटल कितना आ गया? ये पी टोटल कितना आ गया, बहुत ध्यान से समझना। इधर कर देता हूं मैं साइड से, इधर ही कर देता हूं, इधर भी मैं यूज कर लूंगा इसको। चलो किधर गया, इरेज हो गया क्या? एक मिनट, हाँ इधर आएगा कहीं। एक मिनट, आ गया, ओके फाइन। मुझे लगा फिर से लिखना पड़ जाएगा, फाइन। चलो इतनी बात आ गई समझ में। तो पी टोटल इक्वल टू कितना हो गया? पी टोटल इक्वल टू हो गया एक्स ए पी ए सेट। कभी कभी टेक्निकल चीज काफी चीजों में आसान भी कर देती है, कभी कभी इरिटेट भी कर देती है, प्लस का एक्स बी पी वी सेट। अब तो काफी फास्ट हो गया, पहले दिन तो काफी स्लो चल रहा था, ठीक। तो अब रफ करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती थी, तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, रफ करवाओ। मुझे ऐसा लगता था मैं एक कैंडिडेट को हायर करके लेकर आऊं, उससे बोलूं कि यार भाई तुम ऐसा करना, जब भी मैं लिख दिया करूं ना तो इसको रफ कर दिया करना यार। सबसे खराब सिचुएशन होती है बोर्ड में रफ करने वाली, ठीक है। तब से ये बोर्ड आया तब से मैंने कहा कितना भी कुछ भी हो जाए, हम लोगों ने, आपने देखा होगा पहले हमारा बोर्ड था, हम इन्वेस्ट किया, हमने करो भाई ये बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। पता चला आधी तो एनर्जी उसी में चली जा रही है, आधी तो एनर्जी रफ करने में। अब पता चला एक तो हमारे यहाँ आलसी टीचर थे, आपको मैं बताऊँ तो एक हमारे आलसी टीचर थे, उनका मन नहीं करता था बिल्कुल रफ करें। अब वो उन्हों को कोई नई चीज पढ़ानी थी, तीन, ठीक, दो, उसी में थोड़ा थोड़ा रफ कर देते थे, तीन ऐसे करके रफ कर देते थे, ठीक। अब आपको यही नहीं पता चलेगा कौन सा कहां पे लिखना है, उनका तो मन ही नहीं होता था डस्टर उठाने का, अपने हाथ से ही रफ कर देते थे वो, ठीक है। डस्टर रखकर, डस्टर नहीं, बस यहां पे लिख देंगे इतना बिगाड़ के। अब मैं समझ रहा हूं ऐसा वो क्यों करते थे। राइट तो ये बात आ गई समझ में। पी टोटल यहां तक सारे लोग पहुंच गए, यहां तक सारे लोग पहुंच गए। एनालिटिकल मेथड समझ लो सारे लोग किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पी टोटल यहां तक पहुंच गए, राइट। अब देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बहुत ध्यान से देखना, ओके। अब मैं किसको एक टेम्परेचर बीच का चूज कर लूं, क्योंकि हमको टीए पता है, बहुत ध्यान से समझना, हमको टीए पता है एंड टीवी पता है, ठीक है। हमको टीए पता है और हमारे पास टीवी है, ठीक। टीए पता है, टीवी पता है, ये प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट है। सपोज कर लो ये आपका 400 आ गया, और सॉरी ये आपका 200 आ गया, ठीक है, और ये टीवी आपका 400 आ गया, ठीक है। टीवी 400 है और टीए अपना कितना है, टीए अपना कितना है, एक मिनट, टीए अपना कितना है, लिसन, अपना टीए है एंड टीवी है, ठीक है। ये अपना लेस वॉलेटाइल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैं बोल दूं 200 है और इसका 400 है।
अब मैंने क्या किया, एक कोई इंटरमीडिएट टेम्परेचर चूज कर लिया, वो अपने मन से चूज करना पड़ता है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन बीटेक में लगाए होंगे तो ये आप अपने मन से चूज करते होंगे। एक मैंने टेम्परेचर चूज किया, सपोज कर लो मैंने 300 टेम्परेचर चूज कर लिया, ठीक 300 टेम्परेचर चूज कर लिया। अब इस टेम्परेचर पे सारे लोग ये बताओ पीए सेट पीवी सेट निकाल लेंगे क्या? पीए सेट और पीवी सेट सारे लोग निकाल लेंगे? एवरीवन, इस टेम्परेचर पे सारे लोग पीए सेट और पीवी सेट इजीली तरीके से निकाल लेंगे, कोई समस्या होगी ही नहीं, कोई समस्या हो ही नहीं सकती है इसमें। बोलिए यस और नो, सारे लोग पीए सेट पीवी सेट निकाल लेंगे, यस और नो? डस्टर ज्यादा बड़ा हो गया, यस। सारे लोग पीए सेट पीवी सेट निकाल लेंगे मुस्कुरा के? बोलो सारे लोग पीए सेट पीवी सेट निकाल लेंगे? ठीक, तो पीए सेट निकाल लिया आपने, पीवी सेट निकाल लिया, खत्म बात। पी टोटल आपको पहले से ही पता है कि आप पी टोटल तो कांस्टेंट लेकर चले हो ना पूरे सिस्टम का, टी एक्स वाई डायग्राम प्लॉट करने के लिए, ठीक। आपको पी टोटल नोन है, नोन को क्या क्या है, पी पी नोन है, पी टोटल नोन है। आप ये बताओ एक से तो निकल आएगा ना, एक से निकल आएगा, इसको कैसे लिख देंगे? देखो इसको कैसे लिख लेंगे, समझ लेना सारे लोग बहुत ध्यान से, इसको लिख देंगे 1 माइनस एक्स ए, पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए पी ए सेट प्लस का, इसको लिख देंगे 1 माइनस का एक्स ए पी वी सेट, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि बाइनरी सिस्टम है, एक्स ए प्लस एक्स वी क्या होगा, 1 होगा। तो सारे लोग ये बताओ एक्स ए आ जाएगा, यहां तक सारे लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं? पी टोटल आपको पता है, पी ए सेट पता है, पी वी सेट पता है, सारे लोग यहां से मस्त तरीके से एक्स ए निकाल पाएंगे, यस और नो? यस और नो बोलो नुपुर? यस, ये तुमको सब करवाया है मैंने भी, ठीक है, यस वेरी गुड। एक्स ए आ जाएगा, अब ये बताओ एक्स ए इस वाई साहब को ये पहली वाली लाइन में रख देंगे तो वाई ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो एक्स ए को यहां पे रख देंगे, ठीक है, एक चलो मैं लिख देता हूं, एक्स ए को आप राउल्ट्स लॉ में डाल देंगे तो वाई ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो यहां पे पी टोटल इंटू वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए सेट। तो यार एक्स ए पता है, पी ए सेट पता है, पी टोटल पता है, तो वाई ए नहीं आ पाएगा क्या? एक्स ए पी ए सेट अपॉन का पी टोटल, तो सर लो बताओ वाई ए आ जाएगा कि नहीं? बस ये तो चाहिए था आपको, एक्स ए वाई ए, एक्स ए वाई ए आ गया, और टेम्परेचर आपको डिफरेंट डिफरेंट पता है, टी एक्स वाई भी प्लॉट कर लोगे और एक्स वाई डायग्राम भी प्लॉट कर लोगे, यस और नो? भैया एक्स ए एक्स ए भी पता है, वाई ए भी पता है, तो टी एक्स वाई डायग्राम तो मुस्कुरा के प्लॉट कर लोगे, क्योंकि आप इस टेम्परेचर को एक टेम्परेचर चूज किया, ठीक, तो टी एक्स वाई डायग्राम मिल गया। आप फिर एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर चूज करेंगे, फिर आपको एक्स वाई डायग्राम मिल जाएगा, ठीक, फिर एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर एक पॉइंट मिल जाएगा, जितने आप टेम्परेचर इसके बीच में चूज कर लेंगे उतने आपको पॉइंट मिल जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से आप लोग प्लॉट कर लेंगे, ठीक। इसकी सीट मैं बना देता हूँ, इसकी मैं देखो सीट बना देता हूँ मस्त तरीके से, समझ लेना सारे लोग, ये सब चीज़ें बहुत काम की हैं, बहुत काम की हैं, बहुत पढ़ने के बाद ये चीज़ें कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। इतनी आसान से जो हम लोग बात कर ले रहे हैं, इतनी आसान शुरुआत में चीज़ें होती नहीं हैं, ठीक है, बहुत काम करोगे तब ये चीज़ें बहुत कॉन्क्रीट क्लियर होंगी। तो अपन को क्या पता है, अपन लोगों ने एक टेम्परेचर टी वन चूज किया, एक टेम्परेचर आपने टी वन चूज किया, एक टेम्परेचर आपने टी वन चूज किया, टी वन पे आपको क्या मिल गया, पी एस पी ए पी ए वन सेट और पी वी वन सेट। तो यहां से आपको मिल गया एक्स वन कॉमा वाई वन, एक पॉइंट मिल गया। फिर आपने एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर चूज किया टी टू, ये कौन सा टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच का टेम्परेचर, ठीक है, उसी पे बॉयल करेगा। तो बीच का टेम्परेचर आपको अगेन आपको एंटोइन इक्वेशन में डाल दोगे तो पी टू सेट मिल जाएगा, यहां से पी वी टू सेट मिल जाएगा, यहां से एक्स टू मिल जाएगा, यहां से वाई टू मिल जाएगा, ठीक। सिमिलरली आपने फिर से अगेन टी थ्री, जैसे मैंने भी प्रोसीजर बताया है ना, वही सेम फॉलो करना है। तो पी ए टू पी ए थ्री सेट मिल जाएगा, पी वी थ्री सेट मिल जाएगा, और यहां से आपको मिल जाएगा एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक। डॉट 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 जितने भी पॉइंट आपको पता करने हैं, जितने भी आपको पॉइंट चाहिए, जितना एक्यूरेट आप ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे उतना एक्यूरेट, आप जितने ज्यादा प्लॉट रखेंगे उतने आपके पॉइंट आपको उतना एक्यूरेसी के साथ आपका ग्राफ प्लॉट होगा, राइट। तो ये था भैया आपका टी एक्स वाई डायग्राम भी प्लॉट कर लेंगे और यहां से आप लोग एक्स वाई डायग्राम भी प्लॉट कर लेंगे, ये था मेथड नंबर टू।
बोलो समझ में आया क्या? दिस इज द मेथड नंबर टू टू डिटर टू ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व. समझ में आया? यस और नो? ठीक, आपके पास ये डेटा है तो आप मुस्कुरा के प्लॉट कर लेंगे ना. फिर तो आपके पास ये डेटा है, आप क्या कर लेंगे, एक्स वाई डायग्राम भी प्लॉट कर लेंगे. ठीक है, और आपसे कोई बोलेगा टी एक्स वाई डायग्राम प्लॉट करना है तो आप प्लॉट कर लेंगे. आपके पास पॉइंट तो है ना. दिस द एक्स, दिस द एनालिटिकल मेथड. ठीक है, आपको टेम्परेचर पता है, एक्स पता है, वाई पता है, तो एक पॉइंट ये टी वर्सेज वाई मिल जाएगा. ठीक है, टी वर्सेज वाई, टी वर्सेज वाई, टी वर्सेज एक्स, ये मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये ऐसे इस तरीके से आपका ये प्लॉट हो जाएगा. सिमिलरली आपको डायगोनल लाइन पता ही है, आपको ये 45 डिग्री तो आप बिना सोचे समझे खींच लेंगे. और आपको एक्स भी पता है, वाई भी पता है. आपको क्या पता है? एक्स भी पता है और वाई भी पता है. ठीक, आपको एक्स पता है, वाई पता है, एक्स पता है, वाई पता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके आप इसको भी खींच लेंगे. ठीक, तो ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा. बोलो आया, आया क्या? बोलिए आ गया. मास ट्रांसफर तो धुआं धुआं कर दोगे आप लोग. मास ट्रांसफर में तो कुछ है ही नहीं, धुआं धुआं कर दोगे मस्त तरीके से. कोई आपसे बात तो करे कम से कम. ठीक है, कोई डिस्कशन तो करे, शुरू तो करे आपसे डिस्कशन. फिर देखो ऐसा पढ़ के जाओ हमेशा कि इंटरव्यू कभी कभी लेके देने मत जाओ, ले और लेकर आ जाओ. ठीक है, ठीक है, ले और लो इंटरव्यू तो और मजा आएगा आपको. इतना सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए आपको, इतनी सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पता, इतनी अच्छी नॉलेज होती है, गजब की नॉलेज होती है, वो इंटरव्यू में जाते हैं, वो सिखा के और आ जाते हैं चीजें. कोई जरूरी नहीं है जो बहुत अच्छी संस्थान पे पहुंच गए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो. कभी कभी यार पहुंच जाते हैं तो गेट एट में रैंक आ जाती है. इसका मतलब ये नहीं, कोई जरूरी नहीं कि नॉलेजेबल बंदा है बिल्कुल तो रैंक आ गई. ठीक है, रैंक आ जाएगी यार, तुम क्वेश्चन उच्चन लगा लो, हो सकता है तुम्हारी रैंक आ जाए, तुम खेलोगे जाके पीएसयू में. और बहुत सारे ऐसे नॉलेज होते हैं जो तीन घंटे में अच्छा काम नहीं कर पाते हैं. मेन देखो, गेट का रैंक का खेल क्या है? तीन घंटे का खेल है. किसी ने तीन घंटे में बहुत अच्छा कर लिया और तुम्हारा तीन घंटे में अच्छा नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार तुम गड़बड़ हो ना. कहते ही नहीं गड़बड़ो, बहुत ढंग के हो तुम, आदमी काम आएगा तुम्हारा कुछ ना कुछ. यार बात ये थी, वो तीन घंटे में अच्छा प्ले कर गया. रोहित शर्मा ये बताओ कभी कभी तो नहीं चल रहा है ना इस समय. इसका मतलब ये नहीं है कि काम को काम का, ये महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं चल रहे काम के. नहीं, वो चीज़ है यार, उस टाइम पे परफॉर्म नहीं हो पा रहा. नेट पे तो लंबे लंबे छक्के मार के देख रहे होगे, एक दिन आपने देखा होगा किसी झाड़ियों वाड़ियों में गिन ढूंढ रहे थे, वहां पे नहीं हो पा रहे. पता चला एक छोटा सा बॉलर आया अभी आईपीएल से उठ के, उसको उनको बोल्ड कर दिया. ठीक है, तो अब वो अपने आप सोचे नहीं भाई मैं सब कुछ हूँ ना. उन मलिंगा के बहुत लंबे लंबे छक्के वर्ल्ड कप में मारे हुए हैं. ठीक है, तुम क्या आईपीएल वाले लोग बोल्ड करके अपने आप को कॉलर सही नहीं कर रहे हैं? उन्हें मलिंगा को छक्के मारे वर्ल्ड कप में. ठीक है, ये तो आईपीएल है. तो वो भैया समय की बात है, किसी का तीन घंटे अच्छा चल गया तो उसने रन बना दिए डंके. तुम्हारा तीन घंटे में अच्छा नहीं चल पाया, तुम्हारे रन नहीं बन पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कमजोर नहीं हो तुम. ठीक है, तो ये लंबे लंबे अगली बार छक्का मारोगे कि दूर दिखेगी जाके वो वाला. टाइम टाइम की बात है यार, बस अपना टाइम भी आएगा एक दिन. ठीक है, अपना टाइम भी आएगा, राइट, टाइम टाइम की बात है. समय समय की बात है बस. कोई नहीं, अपना भी समय बहुत तगड़ा आने वाला है, समय आएगा तगड़ा. एक बार हमको मैदान में उतारा तो जाए, ऐसे लंबे लंबे छक्के मारेंगे ना. ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो, तगड़ा वाला, तगड़ा वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए. यस, चलो देखो अभी मैं तीसरा मेथड देखो बताता हूँ विद कॉन्फिडेंस के साथ. अभी तक मैंने नहीं बताया है, देखो इक्विलिब्रियम कर्व के मैं तीन मेथड आपको बता रहा हूँ. मेथड नंबर थ्री,
आ जाओ, बात करनी है तो इक्विलिब्रियम कर्व पे बात करो ना। एक हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल, दूसरा होगा एनालिटिकल मेथड, तीसरा भी एनालिटिकली मेथड है लेकिन दूसरे तरीके से है। इन केस आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर पता था, आपको टेम्परेचर पता था तो आपने क्या कर दिया, आपके सेचुरेशन प्रेशर आ गया, पीए सेट पता चल गया और पीवी सेट पता चल गया, ठीक है, और इसके हिसाब से आपने अल्फा ए बी पता लगा लिया, ठीक, अल्फा ए बी आपको पता चल गया, राइट, अल्फा ए बी पता चल गया। अब इनके आपके पास अल्फा रिलेटिव वोलेटिलिटी पता है तो भी आप मुस्कुरा के y इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन वन प्लस अल्फा माइनस वन इंटू एक्स, ठीक है, आप इस इक्वेशन की हेल्प से भी इक्विलिब्रियम कर्व आप लोग बना लोगे, इक्विलिब्रियम कर्व आप लोग बना लोगे, ठीक। अब जैसे जैसे आप अल्फा की वैल्यू रखते चले जाओगे, जैसे जैसे आप अल्फा की वैल्यू सपोज कर लो आपकी अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा ए बी इज कांस्टेंट, ठीक है, सपोज कर लो थ्रू आउट द सिस्टम आपका कांस्टेंट है, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा आपका एक्स वन पे आपका वाई वन मिल जाएगा, एक्स टू पे आपका वाई टू मिल जाएगा, एक्स थ्री पे आपका क्या मिल जाएगा, वाई थ्री मिल जाएगा, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट मिल गए। और ये आपने कहाँ पे डाल दिया, एक्स वाई डायग्राम पे, ये आपने डाल दिए एक्स वाई डायग्राम पे, तो ये आ गया आपका एक्स वाई डायग्राम, ठीक है, एक्स वाई डायग्राम, दिस इज द मेथड नंबर थ्री। इस तरीके से आप लोग एक्स वाई डायग्राम भी प्लॉट कर लेंगे, ठीक, इस तरीके से आप लोग एक्स वाई डायग्राम भी प्लॉट कर लेंगे, राइट। तो ये था आपका रिलेटिव वोलेटिलिटी, इन केस आपको रिलेटिव वोलेटिलिटी के बारे में पता है तो ये लिटरेचर से आपको पता चल जाएगा। इन केस आपके पास लिटरेचर है, ठीक है, कंपोनेंट का लिटरेचर है तो आपको अल्फा पता होगा और किसी भी एक्स पे जाके आप लोग वाई निकाल सकते हैं, किसी भी एक्स पे जाके आप लोग वाई निकाल सकते हैं, फाइन। तो ये रही भैया मेथड नंबर थ्री, तो ये भी आपका क्या होता है, एक्स वाई डायग्राम, दिस वन, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग ये यहाँ पे डायगोनल में मिलेगा जाके, आप लोग सुंदर सा फिगर बना लेंगे, मतलब मैंने जस्ट समझा दिया है आपको, राइट। तो ये क्या था आपका टी एक्स वाई डायग्राम, जिसके तीन मेथड। तो अभी आपने एक स्मॉल पार्ट कवर किया उस स्टेप का, यहां तक सारे लोगों को बात आ गई समझ में, यस और नो, सारे लोगों को इक्विलिब्रियम डायग्राम की बात आ गई समझ में, सारे लोगों को इक्विलिब्रियम डायग्राम की आ गई बात समझ में, बोलिए इक्विलिब्रियम कर्व, फाइन, यहां तक बात आ गई बिल्कुल समझ, यहां तक कोई समस्या ही नहीं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है आपको। अब देखो फिर से आ जाऊं वहीं पे, ये बीच में पढ़ा था अभी आपका, अभी आपका इक्विलिब्रियम कर्व बीच में पढ़ा था, बस उसको मैंने उतना डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक, अभी ये रास्ते से गुजर रहे हैं हम लोग। द ड्रॉ द यस, कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, हम लोग पहुँच गए ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व, ये वाला पार्ट तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। आर मिनिमम निकालने के लिए आपका रास्ते में पड़ेगा इक्विलिब्रियम कर्व, पहले आपको इक्विलिब्रियम कर्व पता होना चाहिए, वो आप लोगों ने कैसे ड्रॉ करेंगे वो आप लोगों ने निकाल लिया, फाइन, ये आपने निकाल लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगी उसकी मैं यहाँ से जस्ट बात करूँ, उसकी मैं यहाँ से जस्ट बात करूँ, ड्रॉ द फीड लाइन। अब आपको ड्रॉ करनी होगी क्या, फीड लाइन कहां पे, इक्विलिब्रियम कर्व पे, इक्विलिब्रियम कर्व पे क्या ड्रॉ करनी होगी, फीड लाइन, बहुत ध्यान से समझना, इक्विलिब्रियम कर्व पे क्या ड्रॉ करना है, फीड लाइन आपको ड्रॉ करनी है, मींस क्यू लाइन, क्यू लाइन का मतलब फीड लाइन ही ड्रॉ करनी है, ड्रॉ कर लेंगे क्या, फीड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फीड लाइन ड्रॉ करने के लिए चाहिए क्या क्या, बोलिए, आपको फीड लाइन ग्रुप ड्रॉ करनी है तो आपको चाहिए क्या, क्यू, और क्यू तो आप लोगों ने पहली स्टेप में ही आपको पता है, क्योंकि आप कैसी फीड यूज कर रहे हैं ये तो आपको पहले से ही पता है, राइट, कैसी फीड यूज कर रहे हैं, क्यू तो आपको नोन है ना, क्यू इज द नोन, क्यू का मतलब आपका फीड कैसी यूज कर रहे हैं, फीड के बारे में आपको सारा कुछ पता है, फीड कंडीशन, यस, Q एंड XF, ये आपको पहले से ही नोन है, कंपोजिशन आप पहले स्टेप में निकाल के बैठे हो, Q आपको फीड की कंडीशन पहले स्टेप में आपको पता है, तो आप मुस्कुरा के किसी और चीज की नीड नहीं पड़ेगी, इक्विलिब्रियम कर्व की नीड पड़ेगी, वो आप लोग पीछे काम करके आगे, ठीक,
चलो अब बना लो क्यू लाइन को ड्रॉ करना है। तो क्यू लाइन को ग्रुप ड्रॉ करना है, तो क्यू लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फीड लाइन कैन बी कंस्ट्रक्ट बाय द लोकेटिंग द पॉइंट ऑफ द 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री लाइन का मतलब जो डायगोनल लाइन थी, एट द करस्पॉन्डिंग ऑफ द फीड कंपोजिशन। ठीक है, दिस पॉइंट कैन बी एक्सटेंडेड विद द स्लोप ऑफ क्यू अपॉन क्यू माइनस वन। उस लाइन को क्या कर देंगे आप लोग, आगे तक उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, वेयर क्यू इज द फीड लाइन, यस ये आप लोग डायरेक्टली प्लॉट करेंगे बाय द इक्वेशन ऑफ, ये दूसरा मेथड है। और पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं, पहले इतना लिख लो सारे लोग, इसको लिख लो फिर मैं प्लॉट करके आपको दिखाता हूं। इसको पहले लिख लो, मतलब कैसे ड्रॉ करेंगे वही चीज इन्होंने यहां पे लिख के दिखाई है। बोला है कि कंस्ट्रक्ट कैसे करना है क्यू लाइन, आपको पास फीड कंपोजिशन पता हो, स्लोप पता हो। ठीक है, स्लोप क्या होता है, क्यू अपॉन क्यू माइनस वन। ठीक है, ये स्लोप होता है फीड लाइन का। ठीक, अभी मैं बता दूंगा ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशंस, वहां से ये स्लोप आता है। ठीक है, तो सारे लोग लिख लेंगे यहाँ पे, इक्वेशन पहले लिख लो, इक्वेशन लिख लेंगे y इक्वल टू, याद होगा सारे लोगों को, q अपॉन q माइनस का 1 x माइनस का एक्स एफ अपॉन क्यू माइनस का 1, ये आपको पता होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन कहाँ से कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। ठीक, तो m का मतलब q अपॉन q माइनस 1, दिस इज द स्लोप। ठीक, दिस द स्लोप। अब आपको ये ड्रॉ करना है, लिख लिया सारे लोगों ने, एक बार जरा बता देंगे, लिख लिया, डन, इतना यहां तक सारे लोगों का डन है क्या, जरा बताएंगे थोड़ा फास्ट। इनकेस आपके पास ग्राफ पेपर हो तो और मजा आएगा पता है डिजाइन करने में। अब इसको ड्रॉ करो सर लोग, जरा ड्रॉ करो, वेट सर, जल्दी से लिख लो, एक मिनट का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। डन, डन है क्या, डन? हाँ, पहले ये कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग उसकी बात करते हैं। डन सर, एक बड़ा डाउट है, जो बॉटम में W होगा तो क्या वो दोनों कंपोनेंट का मिक्सचर होगा जिसमें मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल प्रेजेंट होगा, मींस कह सकते हैं कि फीड जैसा कंडीशन होगा। हाँ भैया, डब्ल्यू में दोनों होंगे, डब्ल्यू इज द बॉटम फ्लो रेट, डब्ल्यू इज द सिंपल बॉटम फ्लो रेट। बहुत बड़ा डाउट है सर, डी और डब्ल्यू, दिस इज द बॉटम फ्लो रेट, हियर ऑल्सो ए प्लस बी और हियर ऑल्सो ए प्लस बी। अभी देखो क्लियर हो रहा है, एक मिनट का टाइम दो हमको। ए इज द मोर वोलेटाइल, बी इज द लेस वोलेटाइल, यहां पर क्या होगा, ए ज्यादा होगा और बी कम होगा। यहां पे अपना ए कम होगा, बी ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पे ए ज्यादा होगा, दैट्स इट, खत्म। ठीक, बॉटम में बी ज्यादा होगा, यहां पे अपना ई ज्यादा होगा, लेकिन होंगे दोनों। यस, एमटी का यस अरित्र, एमटी का पूरा क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं। ओके, एमटी का पूरा क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। सिब, क्लियर हुआ आपका डाउट, पहले ये बताओ। डन, चल, लेकिन आई डोंट नो स्टूडेंट के, यस ए भी दोनों लिक्विड होंगे, ए भी दोनों लिक्विड होंगे, हाँ बॉटम में लिक्विड होंगे, यहां पे आपका लिक्विड प्लस वेपर दोनों होंगे। ठीक है, बॉटम में लिक्विड होंगे, बॉटम में लिक्विड मिलेगा। ठीक है, मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया है, शुरुआत में मैंने आपको, अब क्या करना है, ड्रॉ करना है, अब आपको लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं यहां पे। ठीक, अब आपको क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है, फीड लाइन को, आप अपनी कॉपी में वहीं पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसी कॉपी में
प्रॉपर तरीके से लिखते चले जा रहे हैं ना आप लोग, सिर्फ सुनना नहीं है बनाना भी है। ओके, ये काम आएगा, अपनी कॉपी में लिख लेना, ये इंटरव्यू देने जाओगे फिर ढूंढोगे, बुक वगैरह पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक, ये आपको पता ही है डायगोनल लाइन, एक्स वाई लाइन बनाने में कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा आप सिंपल 45 डिग्री का लाइन खींच देंगे। ठीक, अच्छा, और यहां से आप क्या करेंगे, ये इक्विलिब्रियम कर्व कैसे आता है मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया है। ठीक है, ये वाई है और ये अपना एक्स है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कर्व कैसे आता है मैंने तीन मेथड आपको बता दिए हैं। ठीक, ये अपना क्या था, एक्स डब, अच्छा ये आपको, चलो अभी मैं फीड लाइन की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने इसकी बात नहीं की, तो फीड लाइन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब आपको फीड की कंडीशन पता होगी ना, फीड की कंडीशन पता होगी, इसका मतलब एक्स एफ आपको पता होगा, एक्स एफ आपको नोन होगा, तो एक्स एफ नोन होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे एक्स एफ और सीधा लंबा खींच देंगे इसको। ठीक है, ये एक्स एफ आपको पता होगा, ये नोन है तभी आप खींच पा रहे हो, ये आपने पता कर लिया, ये पता कर लिया, ऐसी कोई चीज़ अपने मन से नहीं करेंगे, सब कुछ पहले कैलकुलेट कर लेंगे तभी डिजाइन कर पाते हैं। ओके, सब कुछ आपको पता होना चाहिए पहले, ये एक्स एफ आपको फीड की कंडीशन पहली वाली स्टेप में पता थी। ठीक है, तभी आप ये काम कर पा रहे हैं, दिस द एक्स एफ। ठीक है, दिस द एक्स एफ। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा एक्स एफ, क्योंकि डायगोनल पे क्या होता है एक्स एफ कॉमा एक्स एफ, एक्स एफ कॉमा एक्स एफ। ठीक है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लाइट कंपोनेंट्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द फीड, यू कैन सी दैट। अब आपको इस वाली लाइन से आपको स्लोप खींचना हो तो इसको ऐसे कर दो। ठीक है, और आप इसको स्लोप तो यहां से ड्रॉ कर ही सकते हो कितना, क्योंकि फीड की कंडीशन पता होगा, तो q माइनस q अपॉन q माइनस 1 ये वैल्यू आपको पता होगी, ये स्लोप है, ये वैल्यू पता होगी, तो आप यहां से इजीली तरीके से स्लोप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, तो आपने सपोज कर लो आपकी जो फीड लाइन आई उसका जो स्लोप था वो लुकिंग लाइक दैट, इस तरीके से आपका कोई स्लोप आया। ठीक है, आपका जो स्लोप आया वो ऐसा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या ड्रॉ कर ली, फीड लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ठीक, इस तरीके से आपने क्या कर लिया, फीड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, इस तरीके से आपने क्या कर लिया भैया, फीड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हो गई आपकी फीड लाइन, दिस इज द फीड लाइन। ठीक, ये आपको पॉइंट मिल गया एक्स डैश कॉमा वाई डैश, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आपको थोड़ा थोड़ा मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो की हल्की हल्की महक आने लगी होगी, है ना, अब थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगा होगा कि मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो के काफी करीब पहुंच गए हैं। ठीक, काफी करीब पहुंच चुके हो मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो के। ठीक, यस, एंगल से भी खींच सकते हो। ठीक है, आप विदाउट एंगल भी खींच सकते हो, एंगल से भी खींच सकते हो। ये स्लोप तो ड्रॉ कर ही लोगे, इनके स्लोप की वैल्यू पता है तो इसको डिग्री में बदल लेना। देखो, सपोज कर लो ये आ गया 1.6 आ गया, ये वैल्यू आ गई, राइट, तो इसको क्या करना, 180 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया, तो आप डिग्री से भी खींच सकते हो स्लोप, टेन थीटा। ठीक है, फिर डिग्री का क्या ले लेना, टेन थीटा ले लेना, टेन थीटा क्या होता है एम, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो यहां से खींच देना, राइट, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब हर्षिता कुछ है नहीं, इसको क्या करना, डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। ठीक, ये सपोज कर लो आ गया आपका थीटा, अब क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, ये तो होता है आपका स्लोप एम, तो एम की वैल्यू आ जाएगी ना। अब आपके पास आप पढ़ते हो कि चांदा होता है ना, ठीक, आप यहां पे रखेंगे, खींच लेंगे इसको, आ गई ना बात समझ में, यहां पे रखेंगे। ठीक, यहां पे इनके डिग्री में दिया जाता है, तो डिग्री में ही वो किसमें होता है, डिग्री में ही तो होता है, तो ये तो डिग्री में आ गया, सीधे सीधे आ गया डिग्री में, तो डिग्री उसमें तो डिग्री होता है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, यहां पे रखना ऐसे करके और उतना खींच देना डिग्री। अरे भैया, इसी पे रख देना सीधे, ठीक है, और यहां से खींच देना, ये थीटा आ जाएगा आपका, यस, ये एक्स एक्सिस पे होगा ये थीटा,
दसदा थीटा, ऑलराइट, ये थीटा ऐसे करके कम होता चला जाएगा, दसदा थीटा फ्रॉम ऑरिजॉन्टल, ऑरिजॉन्टल से ये जो एंगल बनाएगा दिस इज द कॉल्ड स्लोप, ऑरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा दिस इज द स्लोप, ठीक है, ये दिस इज द थीटा, ओके। फाइन, अब इसके आगे और प्रोसेस अभी चलेगा आपका, काफी लंबा, काफी मतलब बड़े लेक्चर हैं, ठीक है, तो होप सो आप लोगों को यहां तक आ गया होगा समझ में, यहां तक आप लोगों को आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब इसके बाद कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अपना टाइम हो गया है, ठीक है, अब इसके बाद सेशन अपना कल कंटिन्यू होगा, राइट। अभी आप मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो के बाद आप लोग ट्रे की लोकेशन डिसाइड करोगे, ट्रे की कैलकुलेशन करोगे, नंबर ऑफ ट्रेस कैलकुलेट करोगे, कॉलम डायामीटर कैलकुलेट करोगे, बीपिंग, फ्लडिंग, ये सब चीज़ों की बात करनी है, सीप ट्रे, बबल ट्रे, कैप ट्रे, ये क्या होती है, इनकी सब डिजाइनिंग वाले पार्ट में आएंगी, ठीक है। तो ये सब आगे अभी प्रोसेस अपना चलता चला जाएगा, यहाँ तक आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, राइट, ओके, फाइन। तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ तक रखते हैं, कल टाइम यही रहेगा, कल टाइम यही रहेगा आपका, ये जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है ना, ये जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक चलेगा, 3 से 4 दिन चलेगा आपका, खत्म हो जाएगा, ठीक, इसी टाइम में, ठीक। होप सो आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, इसी टाइम पे, सेम टाइम पे, और आप लोग थोड़ा मैसेज को शेयर कर दिया करो सो देट सारे लोग इस चीज को देखें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स हैं, इन्हीं की अहमियत है, अभी आपको आगे चल के पता लगेगी, ठीक है, ये मेन खेल यही आपका चेंज करेंगे, ठीक है। इन केस आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से चीज़ें ली तो मैं सारे डिजाइन करवा दूंगा आपको, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इन केस आप लोगों का अच्छा फीडबैक रहा और अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको इन्जॉय किया तो फिर मैं कर दूंगा और भी सारी डिजाइन करवा दूंगा, ठीक है। इवोपरेटर डिजाइन है, ईट ईट ट्रांसफर में वो भी करवा दूंगा, और मैं आपको यस आपका एब्जॉर्प्शन कॉलम है उसको भी मैं डिजाइन करवा दूंगा, एक्सट्रैक्टर कॉलम है उसकी भी डिजाइनिंग करवा दूंगा, ठीक। चल तो फिर आज वाले सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ये वाला सब पार्ट था, आज हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कल आपकी ये क्लास होगी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक, आपकी मॉर्निंग में 9 बजे क्लास होगी जिसमें आईपीसी का रिवीजन सेशन चल रहा है, ठीक है, 9 AM पर, 9 AM पर कल आपकी क्लास होगी, ठीक है, 28th ऑप्शन, ठीक, ये टुमारो कल क्लास होगी मॉर्निंग में, ठीक है, ऐप की, तो सारे लोगों को अभी लिंक मैं शाम को दे दूंगा, ग्रुप पे सारे लोग ऐड हो जाओ, आज उसको देख लेना जाके, ठीक है, आज उसको देख लेना जाके, यस यस, कल होगा अर्षिता, कल होगा 9 बजे मॉर्निंग में, मॉर्निंग में अब मैं आईपीसी का रिवीजन सेशन कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है, रिवीजन सेशन कंटिन्यू रखूंगा, उसमें मस्त कर दूंगा, हाँ वो सब आएगा आपका कुणाल, उसमें आएगा अभी आगे चल के, अभी हम लोग बॉटम में पहुंचे तो पहले, नहीं नहीं 11 PM पे नहीं है, आज 11 बजे नहीं है क्योंकि सुमित सर की क्लास है 11 बजे, इस वजह से अपना 11 PM पे नहीं है, ठीक, चलो ओके। और ये बताओ सारे लोगों को, कल मैंने आप लोगों को PYQ दे दिया है, सारे लोगों को मिल गया क्या, कल मैंने PYQ पूरा दे दिया है, मिल गया क्या सारे लोगों को, एक बार मेरे को जरा बताएंगे सारे लोगों को PYQ मिल गया क्या, यहाँ पे जरा बोलेंगे कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको PYQ ना मिला हो, PYQ आपका MT का, HT का कंप्लीट 2000 से लेकर 2020 तक का पूरा मैंने दे दिया है, ठीक है, 21 का भी इसमें ऐड करके दे दूंगा मैं, MT, HT, थर्मो, ठीक है, और आपका CRE, MT, HT, CRE, IPC का भी इसमें है, और 6 सब्जेक्ट का दिया है, और किसका दिया है, प्रोसेस कैलकुलेशन का नहीं होगा, और किसका है, सारे लोगों को 6 सब्जेक्ट का दिया है, MT, ये एक और सब्जेक्ट बचा हुआ है, एमओ, एक एमओ, FM का शायद नहीं है, एमओ का है, FM का भी है, तो हो सकता है FM का भी हो, FM का नहीं है शायद, एमओ का है,
ठीक है, यस। तो इतने सब्जेक्ट का मैंने आपको दे दिया है विद आंसर की, इसकी पीछे आंसर की भी अवेलेबल है, आंसर की भी अवेलेबल है, सारे लोग उसको देख लेंगे, ठीक है, पीछे उसके आंसर की लगी हुई है, सीटी का भी है, अच्छा हो सकता है साथ हो, ठीक है, सीटी का भी है, तो उसके पीछे आंसर की लगी हुई है, तो सारे लोग उसमें देख लेंगे, ठीक है आंसर, ओके। ये पिछले 2-3 महीने से काम चल रहा था इस पर, तो कल आ गया है बन के, तो मैंने आप लोगों को जैसे ही आया मैंने आपको भेज दिया है। अच्छा 7 सब्जेक्ट का है तो सीटी भी इंक्लूड होगा, ओके। मैथ्स और एफटी का तो आप लोग ले ही लेते हैं, मैथ और एफटी की तो जरूरत होती नहीं है, ऑलमोस्ट तो सारे मिल गए, पीसी और पीडी का तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है, तो आपको पीसी और पीडी का भी चाहिए होगा तो वो भी मैं दे दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट थे वो मैंने आपको दे दिए, मेन सब्जेक्ट थे वो तो मैंने आपको दे दिए, पीवाई क्यू की आंसर की भैया है इसी में, कहूँ पीवाई क्यू की आंसर की है कुणाल, यू जस्ट कलेक्ट, आप ग्रुप में ऐड है ना मनीष सर, केमिकल इंजीनियरिंग वाले ग्रुप में ऐड होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। एफएम रह गया, एफएम का भी हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है विवेक, एफएम का भी दे देंगे, ठीक। तो इस ये काफ़ी मतलब आप लोग इसको यूज करो, और जिसके पास भी ना हो तो उसको भेज देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीआरई की नहीं है, सीआरई की है यार, सीआरई की है कुणाल, इसका मतलब आप पता नहीं कहाँ हो, कल मैंने भेजी है, सीआरई की है उसमें, ठीक। और ये रहा अपना, यस किसी को ज्वाइन करना है तो जस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, अभी देखो भैया फीस हाइक होने वाली है, ठीक। तो जितने भी यूट्यूब के स्टूडेंट थोड़ा सोच रहे हैं प्लस और माइनस में भी चल रहे हैं, तो प्लस में जाके ज्वाइन करें और जल्दी से जाके, यार यहाँ पे तो बिल्कुल मैं आपको क्या बताऊँ, एज अ फ्रेंड समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है, अभी कैरियर के लिए इन्वेस्टमेंट करो जितना, ठीक है, भले ही आप लोग एक बार, ठीक है, एक ट्रेस कम लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करियर के लिए इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हो, फिर आप लोग यूट्यूब से भी कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। मुझे लगता है कि यार प्लस लेके, मुझे लगता है कि जो प्लस के स्टूडेंट हैं, तब मैं उनसे कोई भी सेशन लेता हूँ, प्लस का लेता हूँ, उसमें प्लस वाले भी बच्चे रहते हैं और अपने प्लस वाले भी रहते हैं और अपने यूट्यूब वाले भी रहते हैं, तो मैं देखता हूँ यार प्लस वालों का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, ये पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन रहा अभी तक, ठीक है, प्लस वाले रहे और यूट्यूब वाले रहे, तो आप देखना जो कमेंट आते हैं ना, जल्दी आंसर आते हैं, वो प्लस वाले बच्चों के आते हैं, क्योंकि उनके सब्जेक्ट बहुत पहले कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत उन्होंने बार रिवीजन कर लिया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका सब्जेक्ट उतना ही अच्छा हो जाएगा, तो ये एडवांटेज रहता है, तो आपको लगता है ज्वाइन करना है तो आप फिर आप लोग मूव कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, और जिनको भी थोड़ा बहुत भी लगता है कि यार नहीं मुझे प्लस और माइनस में नहीं खेलना है, ठीक है, एक बार मूड बनाना है, तो प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप जस्ट अनअकैडमी ऐप के थ्रू आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको डिस्कशन करना है आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, मेरा कोड आपको पता ही होगा, तो आप लोगों को कोर्स लेना है तो कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोड लेना है तो आप कोड यूज कर लेना है MR100, जिनको भी मूव करना है इसके साथ तो मूव कर सकते हैं, ठीक है, टाइम बचाओ, अभी मेन इंपॉर्टेंट बात है टाइम बचाओ और आगे बढ़ो। ये 12 मंथ 18 मंथ 24 मंथ के लिए यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर शो कर रखी है, जिनको भी जैसे भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो, ठीक है, 12 मंथ के लिए आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को यस जो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रखी है ये पड़ेगी, आप लोग कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज द MR100, राइट। चलो नाउ इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा आइकोनिक के लिए, आइकोनिक के लिए यहाँ पे ये फीस शो कर रखी है, और एक ये फीचर अभी अनअकैडमी ने लॉन्च किया है जिसमें आप लोग अल्टीमेट डाउट पूछ सकते हैं, कितने भी डाउट पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दिस इज द लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च किया गया है, दिस इज द फॉर आइकोनिक सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को यस इसका हेल्प लेना है और यूज करना है, और आपके अपने डिस्कस प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई करने, तो आप लोग कोड यूज करेंगे MR100, ओके। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है, 9 AM पर, और 1 बजे ही अपनी कंटिन्यू तो क्लास हुई सर, HT और सॉल्यूशन थर्मो पढ़ा दो, हाँ ये नेक्स्ट सेशन में आपको HT भी हो सकता है प्लस वाले स्टूडेंटों को मिले, ठीक है, और अभी HT अपने त्यागी सर ने पढ़ाया तो आप उनका फॉलो कर लो, और आगे चल के हम लोग टीम से डिसाइड करके आपको बता देंगे कि HT कब पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर अपने टेलीग्राम का ग्रुप का नाम क्या है? मनीष सर केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें मैंने एक दिन लिंक भी करवाया था पिन, आप लोग थोड़ा एक्टिव रहो, मनीष सर केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बस ये लिख देना ब्रैकेट में, लिख देना केमिकल इंजीनियरिंग, बस दैट्स इट। हाँ ये देखो भेज दिया है लोगों ने, ठीक।
वहाँ से आप ज्वाइन कर लो, और कोई भी आपकी अपडेट आती है तो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। कोई ऑफर आता है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई भी क्लास की लिंक होती है तो आपको मिल जाएगी, कोई भी पीडीएफ होती है तो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यस यस नुपुर, तैयारी बढ़िया चल रही है ना, मिलो। 30 अपने प्लस की स्टूडेंट है, ठीक है। 30 तो आप सितंबर से हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं मास ट्रांसफर, जिसमें हम लोग डिस्टिलेशन की बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा एक्सेलरेट वो वे में। यस चलो फिर, थैंक यू सो मच। होप्स आप लोगों ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा, और जैसे ये सीरीज खत्म होगी तब आप लोगों को बहुत अच्छा फील आएगा, ठीक। चलो फिर एंड करते हैं ना, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंजॉय करते करते पढ़ाई करो मस्त तरीके से, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। बाय बाय, टेक केयर।